हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से कुछ बेहद ही खौफनाक कहानियाँ लेकर आ गया हूँ। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको अपनी कोई हॉरर स्टोरी मुझे भेजनी हो तो आप उसे स्क्रीन पर दिख रही मेरी इंस्टाग्राम आईडी के थ्रू मुझ तक पहुँचा सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज की स्टोरीज की तरफ। हमारे जीवन में अक्सर ऐसी घटनाएं होती हैं जिनका प्रभाव हमारे आने वाले जीवन पर पड़ता है। जैसी परिस्थिति क्यों ना हो, हम उस सिचुएशन को अपना ही लेते हैं। बीते वक्त जो भी हुआ, हम उस बात को भुलाकर कुछ हद तक अपने सीने को दबाकर हम अपनी ज़िंदगी में आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। कहानी की शुरुआत होती है विजय से, जिसे अच्छी कंपनी में काम करने के लिए एक अच्छी डिग्री की ज़रूरत है। घर में पैसों की तंगी है, जैसे तैसे काम करके अपनी कॉलेज की फीस विजय भर पाता है। किताबों के पैसों के लिए वो कुछ और पार्ट टाइम जॉब करता है। विजय के पापा बचपन में ही चल बसे थे, उसकी माँ उसका सब कुछ है, जिनका सारा वक्त घर का काम करने में चला जाता है। बात एक रोज की है। रोजमर्रा की जिंदगी की तरह आज भी यह दिन विजय के लिए एक ही समान था, वही पार्ट टाइम जॉब, फिर उसके बाद कॉलेज जाना। विजय नाइट कॉलेज में पढ़ता था। चूँकि उसके सारे दोस्त जानते थे कि वो बहुत ही मेहनत करता है, इसीलिए उसके सारे दोस्त उसकी हेल्प भी किया करते थे। और यदि कभी कभी उससे पीरियड मिस हो जाता था तो वो उसके लिए नोट्स बना देते थे। सच में वो लोग बहुत मददगार दोस्त थे। एक दिन विजय को अपने पार्ट टाइम जॉब में काफ़ी लेट हो गई थी, इसी कारण उस दिन वो कॉलेज बहुत लेट पहुँचा। अभी फर्स्ट पीरियड चल ही रहा था, जो कि कुछ ही देर में ख़त्म होने वाला था। उसने बाहर रुकना ही ज़रूरी समझा और दूर जाकर एक बेंच पर बैठ गया। उसे कुछ भूख भी लगी थी, इसीलिए वो कैंटीन की तरफ देखता है। लाइट ऑन थी तो उसने मन ही मन सोचा, चलो कैंटीन में जाकर कुछ खा ही लिया जाए। वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है। हमेशा की तरह जो लड़का कैंटीन में खाना बनाया करता था, आज वहाँ पर वो नहीं था। उस वक्त कोई और ही रसोई के अंदर खाना बना रहा था। वो दुबला पतला सा आदमी था, इतना दुबला कि उसकी शर्ट जैसे जिस्म के बाहर की तरफ आ रही हो। विजय उसे आवाज़ लगाता है और कहता है, भैया एक सैंडविच दे दो, बहुत भूख लगी है। वो दुबला पतला आदमी विजय को बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगता है। विजय वापस से कहता है, मेरे लिए एक सैंडविच बना दो प्लीज़ यार। बिना कुछ कहे वो आदमी हाँ में जवाब देता है और ब्रेड निकाल कर विजय के लिए सैंडविच बनाता है। सैंडविच बन जाती है और फिर वो उसे विजय को सर्व करता है। विजय बहुत ही चाव से उसे खाने लगता है, लेकिन वो एक बात नोटिस करता है कि वो आदमी एक तक उसे ही देखे जा रहा था, जैसे उसे उससे कुछ बोलना हो। फिर कुछ तो गड़बड़ है, ये सोच के विजय उसकी तरफ देखता है और कहता है, कुछ बोलना है क्या आपको मेरे से? वो आदमी ना में सर हिलाता है और वापस से किचन के काम में लग जाता है। इतने में विजय के सारे दोस्त कैंटीन में आ जाते हैं और विजय से कहते हैं, आज तो बहुत लेट हो गया यार, ऐसे ही चलता रहा तो कॉलेज नहीं कर पाओगे। वो लोग विजय से पूछते हैं कि वो इतनी देर से यहाँ पे क्या कर रहा है, आज तो कैंटीन बंद है, हमें तो यही बताया गया था। विजय कहता है, ये कैसे हो सकता है, अभी तो एक आदमी यहाँ खाना बना रहा था, उसी ने मुझे सैंडविच दिया है, देखो वो किचन में। सारे दोस्त किचन की तरफ जाते हैं लेकिन उन्हें वहाँ पे कोई भी नहीं दिखता। सारी प्लेट साफ थी और सब कुछ खाली था, जरा सा धुआं तक नहीं था और सारा सामान अपनी जगह पर था। विजय सबको कहता है, ये देखो सैंडविच, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, अभी किसी ने मुझे सैंडविच बना के दिया है। लेकिन वो इतनी जल्दी काम करके चला गया, मुझे आवाज़ तक नहीं आई और पता भी नहीं चला कि कैसा हो सकता है, कोथुल स्वर में विजय ने कहा। बातें खत्म होती हैं, सभी लोग वापस से अपनी क्लासेस के लिए चले जाते हैं। देर रात क्लासेस ख़त्म होती हैं और सभी अपने घर के लिए रवाना होते हैं। विजय जो कि काफ़ी उदास था, उसके मन में एक ही सवाल था। सारा दिन काम और पढ़ाई में ही उसका वक्त जा रहा है। वो घर में अपनी माँ को बिल्कुल भी समय नहीं दे पा रहा था और ना ही अपने लिए कुछ अच्छा कर पा रहा था। अगले दिन विजय वापस से कॉलेज के लिए जाता है। उस दिन उसने अपने पार्ट टाइम जॉब से एक दिन की छुट्टी ली थी। उस महीने की फीस भरने के लिए विजय के पास पैसे जमा हो गए थे, इसलिए उसने एक दिन अपने ऑफिस से छुट्टी ले ली थी। और वो कॉलेज जाता है और देखता है कि उसके सारे दोस्त कैंटीन में खाना खा रहे हैं। वो एक बात पे गौर करता है, कैंटीन में वही शख्स था जो पहले खाना पकाया करता था। विजय उसके पास जाता है और कहता है, कल क्या किसी और को ड्यूटी लगा दी थी क्या?
पहले तो कभी यहाँ का कुक नहीं बदला, फिर एकदम से कल क्या हुआ था? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, यहाँ पर तो सिर्फ मेरी ड्यूटी लगी हुई है, कुछ सालों तक आगे मेरी लगी रहेगी। विजय बहुत ही हैरान होता है और उसे बहुत अजीब लगता है। खैर, इन सब बातों को मन से हटाकर वो अपने दोस्तों के साथ बैठकर बातें करने लगता है। बात करते करते विजय की नज़र सामने एक टेबल पर बैठी लड़की के ऊपर पड़ती है। वो लड़की भी रह रहकर उसे ही देख रही थी। सभी लोग खाना खाकर उठ रहे थे, तभी उस लड़की ने विजय की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, माय नेम इज नैना, इस कॉलेज में नहीं हूँ, बीकॉम थर्ड ईयर की स्टूडेंट हूँ। क्या आप बता सकते हैं कि लाइब्रेरी किस तरफ है? व्हाई नॉट, विजय नैना से कहता है, मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, चलिए आपको लाइब्रेरी दिखा देता हूँ। वो दोनों एक साथ चलते हैं। विजय उसे लाइब्रेरी दिखा देता है और फिर वहाँ से अपनी क्लास के लिए चला जाता है। विजय आज काफ़ी खुश था, उसे वो बहुत ज़्यादा पसंद आ गई थी। बार बार रह रहकर उसे उसी का ख्याल आ रहा था, उससे बात करने का मन भी कर रहा था। क्लास एंड होते के साथ ही वो इधर उधर देखने की कोशिश कर रहा होता है, मानो उसकी नज़र उसी लड़की को ढूंढ रही हो, लेकिन उसे वो कहीं पर भी दिखाई नहीं देती। वो मन ही मन सोचता है, शायद वो पहले ही अपनी क्लास ख़त्म करके चली गई होगी। वह वहाँ से चला जाता है। उस रात विजय सो नहीं पा रहा था, अचानक से उसे बुरे बुरे सपने आ रहे थे, अपने घर को लेकर, अपने आप को लेकर, अपनी माँ को लेकर। वो काफ़ी टेंशन में आ गया था, उसकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था, सब कुछ बहुत ही घिसा पिटा हो रहा था। ये सब सोच सोच कर वो अपना दिमाग ख़राब कर रहा था और उसकी नींद बिल्कुल उड़ गई थी। सुबह बोझिल पलकों से वो अपनी माँ को आते हुए देखता है। उसकी माँ विजय को उठाते हुए कहती है, क्या हुआ बेटा, नींद पूरी नहीं हुई क्या? विजय हाँ में सर हिलाता है। उसकी माँ कहती है, कोई बात नहीं, तुम्हारे सर पर चंपी कर देती हूँ, नहाते वक्त शैम्पू कर लेना। उसकी माँ विजय के सर पे तेल से मालिश करती है, अब उसे थोड़ा आराम आता है। फिर उसकी माँ अपने कामों में व्यस्त हो जाती है और विजय अपने पार्ट टाइम जॉब के लिए चला जाता है। उस दिन मंद मंद हवा चल रही थी, ठंडी ठंडी हवा में वॉक करके कॉलेज के लिए जाना काफ़ी अच्छा लग रहा था। शाम के 7 बज चुके थे। विजय अपने कदमों को तेज तेज बढ़ा रहता है और जल्दी जल्दी बढ़ने लगता है। रास्ते में एकदम से जोर की बारिश चालू हो जाती है। वो अपने आप को अपने जैकेट से बचाते हुए दौड़ने लगता है और दौड़ते दौड़ते कॉलेज के गेट पर पहुंचता है। गेट खोलकर वो अंदर घुसता है। विजय की नज़र कैंटीन की तरफ जाती है, जहाँ पर बहुत भीड़ लगी हुई थी। विजय मन ही मन हंसते हुए सोचता है, सारे लोग क्लासेस छोड़कर कैंटीन की तरफ आ गए हैं, ज़रूर कुछ खास बना होगा वहाँ पर। वो कैंटीन की तरफ बढ़ता है और देखता है कि सभी लोग बड़े ही गौर से एक न्यूज़पेपर को देख रहे थे। विजय अपने दोस्तों को आवाज़ लगाते हुए कहता है, क्या हो गया भाई, कैसे एक ही अखबार देख रहे हो सारे के सारे, चटपटी खबर छपी है क्या? विजय अखबार की तरफ बढ़ता है और फ्रंट पेज पर एक बड़ी सी तस्वीर विजय की लगी हुई थी और उस पर लिखा था, यह बच्चा कॉलेज की कैंटीन से देर रात गायब हो गया, लाख खोजने पर भी यह किसी को भी नहीं मिला। विजय के तो मानो होश उड़ गए थे, वह एकदम सुन्न हो गया था, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो इतना घबरा चुका था कि वो जोर जोर से गुस्से में चिल्ला रहा था, ये क्या बकवास छपा है मेरे बारे में, मैं गुमशुदा, मैं तुम सबके सामने खड़ा हूँ, देखो हितेन, वो अपने दोस्त से कहता है, देखो यार क्या बकवास छपा हुआ है, ज़रूर तुम लोगों ने किया है ना ये मुझे सताने के लिए। विजय अब और ज़्यादा परेशान हो गया था और देखता है उसका कोई भी दोस्त ना तो उसकी बात सुन पा रहा था और ना ही उसे देख पा रहा था। वो हजार हाथ पांव मार रहा था लेकिन कोई टस से मस नहीं हो रहा था। विजय बहुत ही घबरा जाता है और घबरा कर कैंटीन से बाहर निकलता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, Somebody help me, प्लीज़ कोई मदद कर दो मेरी, लेकिन दूर दूर तक उसकी आवाज़ कोई भी नहीं सुन पाता। विजय रोते रोते हताश होकर एक पत्थर के ऊपर बैठ जाता है और सभी बातों को गौर से सोचने लगता है। कुछ देर सोचने पर उसे स्मरण होता है कि उसकी माँ ने 2 दिन पहले उसके सर पर चंपी की थी और उसने शैम्पू किया था, फिर वो कॉलेज के लिए निकला था, तब से उसे कुछ भी याद नहीं, उसके साथ क्या हुआ। विजय अपने सर पर हाथ रख लेता है और कहने लगता है, आज ही तो ये सब हुआ है मेरे साथ, मेरी माँ ने आज ही मेरे सर पर मालिश की थी, ये सब क्या हो रहा भगवान, मर गया क्या हूँ मैं, किसने मारा मुझे, प्लीज़ भगवान बचा लो मुझे। विजय अभी ऐसे बोल ही रहा था कि पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो हाथ किसी और का नहीं बल्कि नैना का था।
नैना को देखते हुए विजय एकदम से रोते हुए उसे गले लगा लेता है। सब लोग मुझे मरा हुआ बोल रहे हैं, तुम कैसे देख सकती हो मुझे, तुम मुझे देख पा रही हो ना, ये सब झूठ बोल रहे हैं, यानी कि अभी इन लोगों की खबर लेता हूँ। नैना विजय को रोकते हुए कहती है, ठहरो, ये सपना नहीं है, तुम सचमुच इस वक्त हमारी दुनिया में हो, ये दुनिया सिर्फ मरे हुए लोगों की है। इसका मतलब तुम भी मर चुकी हो नैना? हाँ, नैना हाँ में जवाब देती है। वो उसे समझाते हुए कहती है, जिस दिन वो उस कैंटीन में आया था तब वहाँ और कोई नहीं एक हत्यारा था जिसने 6 साल पहले कुछ स्टूडेंट्स का कत्ल किया था। वो इसी जगह में पियोन का काम करता था। पैसों के कुछ लालच के कारण उसने 6 लोगों को बहुत बुरी तरीके से कत्ल कर दिया था, उसमें मैं भी थी। उसने हमारी लाशें कैंटीन की दीवारों के अंदर दफन कर दी थी। प्रिंसिपल को जैसे तैसे इसके बारे में पता चल गया था और उन्होंने उसे पुलिस के हवाले कर दिया था, लेकिन वो पुलिस स्टेशन जाने के पहले ही रास्ते में गाड़ी से कूद गया जिससे उसकी मृत्यु हो गई और उसकी आत्मा आज भी इसी जगह पर भटकती है। और यदि उसे कोई स्टूडेंट दिख जाता है तो वो उसे जान से मार देती है। तुम उस रोज गलत वक्त पर कैंटीन में आए थे, उसने तुम्हें देख लिया था और उसने अपने माया जाल में तुम्हें फंसा लिया था। विजय नैना का हाथ पकड़कर रोते हुए कहता है, मेरी माँ का मेरे अलावा कोई नहीं है, मेरी माँ बहुत अकेली है, इस दुनिया में एक दूसरे के सिवा उनका कोई सहारा नहीं है। तुम मेरे लिए ना सही, मेरी माँ के लिए मेरी मदद कर दो, मुझे बचा लो, कोई तो रास्ता होगा यहाँ से निकलने का। नैना विजय का हाथ पकड़कर टेरेस की तरफ चलने लगती है और वो दोनों काफ़ी तेज दौड़ रहे थे, मानो ऐसे कि पीछे से कोई उनके आ रहा हो। विजय पीछे देखता है तो उसे दिखाई देता है कि वही इंसान जो उसे उस दिन कैंटीन में मिला था, मतलब वही खूनी, वो उसके पीछे आ रहा था। उसके एक हाथ में छुरी थी और वो बहुत ही अजीब तरीके से उन्हें देखते हुए उनकी तरफ बढ़ रहा था। विजय और नैना अपनी रफ्तार बढ़ा लेते हैं, वो दोनों बहुत तेज भाग रहे थे। नैना विजय से कहती है, तुम जल्दी टेरेस से कूद जाओ। विजय नैना से कहता है, क्या तुम भी उसके साथ मिली हुई हो, तुम भी मुझे मारना चाहती हो, अगर मैं इससे कूदा तो मैं मर जाऊंगा, इससे अच्छा यही है कि तुम मुझे मार दो, अब मुझे समझ में आ रहा है। नैना विजय के सर पर हाथ रखते हुए कहती है, मैं तुमसे कोई झूठ नहीं कह रही हूँ, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बता रही हूँ, टेरेस से छलांग लगा दो, पर ध्यान रखना आइंदा कभी 9 बजे के बाद कैंटीन मत जाना, हो सके तो अपने दोस्तों को भी जाने से मना कर देना। हमारे साथ यहीं तक था, तुम एक बहुत ही अच्छे लड़के हो, हमेशा अपना ख्याल रखना। विजय की आंखों में आंसू थे और अब उसे ऐसा लग रहा था कि वो सचमुच इस जगह से बच सकता है। नैना मर चुकी है तो क्या हुआ, लेकिन बहुत अच्छी है और वो उसकी तरफ काफ़ी ज़्यादा आकर्षित भी हो गया था। वो नैना से कहता है, तुम ही मेरे साथ चलो नैना, लेकिन वो मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे ना चाहते हुए भी इसी जगह पर रहना पड़ेगा। विजय की आंखों में आंसू भर गए थे और वो कपकपाते हुए पैरों से टेरेस के ऊपर खड़ा हो जाता है और हिम्मत करके वहाँ से छलांग लगा देता है। जैसे ही उसके पांव जमीन पर पड़ते हैं वो अपने आप को झुका हुआ पाता है और वो देखता है कि वो उस वक्त उसी कैंटीन में है जो वक्त 2 दिन पहले का था। आसपास काफ़ी सारे बच्चे थे और काफ़ी सारी चहल पहल थी, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। विजय का दोस्त हितेन विजय को कहता है, नीचे क्या कर रहे हो, चलो क्लासेस के लिए नहीं जाना क्या, देर हो जाएगी। विजय कैंटीन की घड़ी में देखता है तो टाइम शाम के 7:30 बज रहे थे। वो एकदम हक्का बक्का सा अपने दोस्तों को देख रहा था और उसकी हालत को देखकर उसके दोस्तों से बहुत चिढ़ा रहे थे, भूत देख लिया क्या, ऐसी शक्ल बना रहा है। विजय वहाँ से चला जाता है। उस दिन बिल्कुल ही क्लासेस में उसका मन नहीं लगता और वो सिर्फ यही सोच रहा था इसके साथ आखिर ये सब हुआ क्या है, जिससे वो प्यार करता था वो लड़की मरी हुई निकली, पर वो कितनी ज़्यादा तकलीफ़ में थी और वो बुरा इंसान मरने के बाद भी बुराई करना नहीं छोड़ा। ये सब बातें उसके दिमाग में चल रही थी। कॉलेज खत्म होता है और विजय कॉलेज से बाहर निकलता है। उसकी नज़र कैंटीन पर पड़ती है, कैंटीन की लाइट जल रही थी पर कोई था नहीं। उस समय रात के 9 बज चुके थे। हितेन विजय से कहता है, ठहरो मैं अपने लिए एक पानी की बोतल लेकर आता हूँ, कैंटीन अभी खोली है, बंद नहीं हुई, रुको सर मैं भी आता हूँ। हितेन कैंटीन की तरफ बढ़ ही रहा था कि विजय जोर से उसका हाथ पकड़ता है और ज़बरदस्ती उसे बाहर ले जाता है। हितेन अपने हाथ झटकते हुए बोलता है, क्या हो गया, पागल हो गया क्या, इतनी बुरी तरीके से तुमने मुझे यहाँ पे खींच के लाए हो, मुझे प्यास लगी थी। विजय हितेन को सारी बात बता देता है। पहले तो हितेन को उसकी बात पर यकीन नहीं होता, पर कुछ कुछ बातें वो ऐसी बता रहा था
जिसकी जानकारी उसे पहले से थी। अगले दिन जब दोनों कॉलेज की लाइब्रेरी में जाते हैं और वहाँ पे पुराने न्यूज़पेपर्स को चेक करते हैं तो उन्हें उस घटना की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जिसमें 6 स्टूडेंट्स की मौत हो गई थी और मारने वाला वही पियोन था। धीरे धीरे ये बात हवा की तरह कॉलेज में फैल जाती है और प्रिंसिपल साहब उस कैंटीन को बंद करवा देते हैं। उसके अलावा एक दूसरे कमरे में कैंटीन बन जाती है और पुराने वाले कैंटीन के बाहर दीवार बना दी जाती है जो कि हमेशा के लिए उसे बंद कर देती है। इस वाक्य को बीते हुए कुछ दिन हो चुके थे और अभी भी जब कभी विजय नैना के बारे में सोचता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ना चाहते हुए भी वह अपने मन को किसी और जगह ले जाने की कोशिश करता है और अपने आने वाली ज़िंदगी के बारे में सोचने लगता है, पर फिर भी उसे उसकी याद आ ही जाती है। ये कहानी है मेरी मित्र सपना की, जो कभी जानती ही नहीं होगी कि उसके साथ ये क्या होने वाला था। बस शायद उसकी एक छोटी सी उत्सुकता के कारण ये हो गया, बस मैं इतना ही कह सकती हूँ। ये बात आज से लगभग 30 साल पहले की है, तब हम साथ में स्कूल में पढ़ते थे। सपना एक सुंदर, आकर्षक और रोमांचक घटनाओं को पसंद करने वाली लड़की थी, किंतु उसकी आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी। उसके परिवार में उसकी माँ और वो अकेले रहते थे। एक दिन जब मैं और वो अपने स्कूल की लाइब्रेरी में कुछ किताब देख रहे थे, तभी उसकी नज़र एक लाल कवर वाली किताब पर पड़ी जिसका नाम था एक खूनी रात। उसने मुझे वो किताब दिखाई और बोली, चल इस आज पढ़ते हैं, बहुत ही मस्त लग रही है किताब ये, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे बस मेरे लिए ही है। ये सुनते हुए जब मेरी नज़र उस पर पड़ी तो बहुत अजीब तरीके से उस बुक को देख रही थी और उसमें मानो खो सी गई थी। मैंने कहा, पता नहीं किसकी बुक है और कितनी डरावनी भी है, मैं नहीं देखना चाहती, तू भी ऐसी चीज़ों से दूर रह। ये कहते हुए मैं वहाँ से बाहर आ गई, पर फिर भी वो वहीं खड़ी होकर पता नहीं क्या सोचती रही। लंच ब्रेक ख़त्म हो गया और बाकी सभी क्लास लगने के बाद जब छुट्टी हुई तो मैंने उससे फिर पूछा, कहीं तूने वो बुक इशू तो नहीं कराई है ना, लेकिन उसने मना कर दिया। अगले कुछ और दिन ऐसे ही बीतते चले गए और एक दिन अचानक से सपना ने स्कूल आना बंद कर दिया। एक दिन सपना की मम्मी मुझसे मिली, उन्होंने मुझसे कहा कि सपना के साथ तुम्हारी कुछ बात हुई है, पर मैंने मना कर दिया और पूछा, क्या बात है आंटी? उन्होंने बताया कि सपना की तबीयत बिगड़ती जा रही है। ये सुनकर मैं सीधे उसके घर गई और देखा वहाँ सपना एक बहुत ही अजीब स्थिति में पंखे से उल्टी लटकी हुई थी। ये दृश्य देखकर मेरी रूह कांप गई और उसकी माँ रोने लग गई। मैंने उनको दिलासा दिया और कहा, आप इसे किसी अच्छे डॉक्टर से दिखाइए ना। कई डॉक्टरों से दिखाने पर भी उसकी स्थिति नहीं बदल रही थी। तब मैंने और आंटी ने उसके कमरे की तलाशी ली। वहाँ कुछ बुक्स को देखते हुए मेरी नज़र उस लाल किताब पर पड़ी जिसे मैंने और सपना ने लाइब्रेरी में देखा था। मैंने उस किताब को खोला और एक नज़र उस पर डाली। वह कहानी एक लड़की के बारे में थी जिसका नाम था शालिनी। मैंने किताब आगे पढ़ी तो उसमें लिखा था, मैं शालिनी हूँ, ये मेरी डायरी है, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मेरा 12वीं का रिजल्ट आया है और उसमें मेरे 90% बने हैं। अब शायद जिस कॉलेज में मुझे एडमिशन चाहिए वहाँ मुझे मिल जाएगा। आज मेरी ज़िंदगी का बहुत ख़ास दिन है और मैं इसे अपने परिवार के साथ खुशी से बिताना चाहती हूँ। मैंने पेज पलटा तो उसमें लिखा था, डेट 28 जुलाई 1970। आज मेरे कॉलेज का पहला दिन है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैंने कुछ नए दोस्त बनाए और उनके साथ मेरी अच्छी बॉन्डिंग होने लगी है। मैंने उसमें आगे पढ़ा तो उसमें लिखा था, डेट 19 अगस्त 1971। ये दिन मेरी लाइफ का सबसे बुरा दिन है। आज रुचिका और उसकी फ्रेंड्स ने
मेरे साथ एक बहुत गंदा मजाक करा। उन लोगों ने मुझे वॉशरूम में बंद कर दिया और मैं रोने लगी। फिर वहाँ अचानक से टीचर आ गई और उन्होंने रुचिका को बहुत डांटा, तो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मुझे खा ही आई। पर मैं नहीं डरी, बल्कि मुझे खुशी हुई, क्योंकि बुरे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। मैंने आगे पेज पलटे पर उसमें आगे कुछ भी नहीं लिखा था। मैंने सोचा आगे क्या हुआ होगा, मुझे पता लगाना था, क्योंकि शायद अब उस लड़की की कहानी का और सपना की स्थिति का कुछ ना कुछ तो रिलेशन था। इस बात को जानने के लिए मैंने शालिनी के बारे में उसके स्कूल से उसकी जानकारी लेने का सोचा और मैं शालिनी के पुराने स्कूल चली गई। वहाँ मुझे उसके घर का पता मिल गया, तब मैं सपना की मम्मी के साथ वहीं पहुँच गई। वहाँ देखा तो घर नहीं बल्कि एक खंडहर था। पड़ोसियों से पूछने पर पता चला कि उसकी माँ ने अपना घर शिफ्ट कर लिया है। पड़ोसियों से हमने उनका नया एड्रेस ले लिया और चले गए भोपाल, जहाँ रहती थी उसकी मम्मी। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी तो एक बूढ़ी औरत ने दरवाज़ा खोला। क्या ये शालिनी का घर है? जी हाँ, कहिए आप कौन? मैं अपने स्कूल की जूनियर हूँ। हमारे स्कूल में शालिनी के बारे में पता करने और उसके बारे में स्कूल मैगजीन में छापने को कहा है, क्योंकि वो एक बहुत अच्छी स्टूडेंट थी और कई खेलों में पार्टिसिपेट करती थी। पर वो कहाँ है, क्या कर रही है? ये सुनकर उसकी माँ काफ़ी रोने लगी और उन्होंने बताया उसकी मौत हो चुकी है। उन्होंने हमें अंदर बुलाया और बिठाया और फिर हमने आगे पूछा। वो तो कॉलेज जाने लगी थी, फिर उसके बारे में कुछ पता ही नहीं चला। ये सुनकर उसकी माँ ने कहा, हाँ शुरुआत में तो सब अच्छा था, एक साल बड़े अच्छे से बीता, फिर दूसरे साल जब गर्मियों की छुट्टियाँ पड़ी तो वो घर नहीं आई। हम लोगों ने हॉस्टल में पूछा तो वार्डन ने बताया कि वो निकल चुकी है। काफ़ी समय तक उसे ढूंढा लेकिन वो कहीं पर भी नहीं मिली। फिर लगभग 3 से 4 महीने बाद कॉलेज के ही रूम नंबर 113 में उसकी डेड बॉडी मिली। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपना ही हाथ खा लिया हो। ये सब सुनने के बाद जब मैं और आंटी घर वापस आए तो मैं सपना के रूम में चली गई और आंटी सपना को किचन में ले गई। जब मैं उसके बिस्तर पर लेटी तो मेरी नज़र सामने रखे शीशे पर पड़ी, जिस पर लिखा था, मैं सपना को नहीं छोड़ूंगी, तुझे जो करना है कर ले, जब तो मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा मैं इसे नहीं छोड़ने वाली। मैं शीशे पर लिखी बात पढ़ रही थी कि तभी किचन से आंटी के चिल्लाने की आवाज़ आई। झट से मैं नीचे उतरी और किचन में जो देखा वो मुझे आज भी याद है। मैंने देखा सपना किचन की सीलिंग पर उल्टी चल रही थी। वो दृश्य इतना ज़्यादा भयानक था कि मैं इसे कभी भी नहीं भूल सकती और आज भी जब मैं इसे याद करती हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। तभी सपना जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी, तुम लोग मुझे रोकना चाहते हो, ऐसा करने की औकात है तुम्हारी? तभी वो अचानक से बेहोश हो गई और नीचे गिर गई। हम लोगों को लगा कि इसे शायद कोई मानसिक बीमारी तो नहीं है। मैं सपना की मम्मी और सपना उनके घर से बाहर निकले। तभी हम सपना के घर के सामने से निकल ही रहे थे कि वहाँ हमें संकटमोचक हनुमान जी का मंदिर दिखा और जैसे ही हमें वो दिखना शुरू हुआ वो जोर से चिल्लाने लगी। वहाँ खड़े एक पंडित की नज़र हम पर पड़ गई। सपना बहुत चिल्ला रही थी और हम उसे काबू नहीं कर पा रहे थे। तभी वो जल्दी से हमारी मदद करने के लिए आए और उन्होंने पवित्र जल सपना के मुंह पर मारा और ऐसा करते के साथ ही वो बेहोश हो गई। तब उन्होंने मुझसे पूरी बात बताने को कहा। हमने उनसे हमारे साथ जो कुछ भी घटा सब बता दिया। फिर उन्होंने बताया यहाँ से लगभग 300 किलोमीटर दूर एक प्रसिद्ध मेहंदीपुर बालाजी मंदिर है, वहाँ इसे लेकर जाओ, वहाँ इन सब भूत प्रेत बाधा का इलाज होता है, इसे वहाँ लेकर जाओ। लेकिन हाँ, इसके सामने मेहंदीपुर से जुड़ी कोई भी बात मत करना, नहीं तो इसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। हमने अगले ही दिन ट्रेन बुक करी और मेहंदीपुर के लिए रवाना हो गए। पूरे सफ़र के दौरान वो सोती रही।
मेहंदीपुर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्टेशन आ गया जहां हमें रुकना था और वहां से हमें बस द्वारा वहां पर पहुंचना था। हम वहां जा ही रहे थे कि वहां पहुंचने से पहले ही अचानक से सपना की आंख खुल गई। इसके बाद वो काफ़ी तेज़ से चिल्लाने लगी पर उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई शक्ति उसके बाल पकड़ी हुई है और उसे उतार रही है, लेकिन वो उतरना नहीं चाहती थी, फिर भी अंदर खिंची हुई जा रही थी। यदि हम उसके पीछे पीछे दौड़ रहे थे, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि वहाँ पर उसके अलावा और भी कई लोग थे जो कि अलग अलग और ज़्यादा डरावनी हरकतें कर रहे थे। सपना दौड़ती हुई सीधे मंदिर के सामने खड़ी हो गई और चिल्लाने लगी, बाबा मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। पर एक शक्ति ही उसके बालों से पकड़े हुए थी जो कि चिल्लाए जा रही थी, अब मैं ऐसा नहीं करूँगी, मुझे तो बस अपना इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं। तभी वहाँ पर एक पंडित आया और उसने कहा, कौन है तू, क्या दिक्कत है तुझे? तब उसने अपना नाम बताया, मैं शालिनी। जैसे ही मैंने वो नाम सुना मैं समझ गई कि ये क्यों है और क्या कर रही है। सपना आगे बोली, मुझे बदला चाहिए, मेरी मौत का बदला। कैसी मौत, किसकी मौत? पंडित ने कहा, मेरी मौत का बदला। किसने की तेरी मौत, क्या हुआ था बता। तब सपना एक भारी आवाज़ में बोलने लगी, रुचिका ने। जैसे जैसे शालिनी अपनी कहानी बता रही थी मुझे सब समझ में आने लगा। पंडित ने आगे पूछा, क्या हुआ था तेरे साथ और उसके बदले तू इससे क्यों ले रही है, इसने क्या बिगाड़ा तेरा? तब सपना एक तेज़ आवाज़ में बोली, मेरी दुश्मनी इससे नहीं है, पर इसी ने मेरी वो डायरी खोली जिसमें मेरे पुराने जख्म थे, तब उसके ज़रिए मैं अपना बदला लूँगी। ये कहकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। तभी उस पंडित ने पवित्र जल उसके मुँह पर मारा जिससे वो चिल्ला उठी और फिर पूछा, क्या हुआ था तेरे साथ, साफ साफ बता। तब वो बोली, बताती हूँ, पर अब आगे से ये आग मुझ पर मत डालना। हम ये देखकर हैरान हो रहे थे कि पानी की बूंदें इसे आग क्यों लग रही हैं। तभी सपना बोली, मेरी ज़िंदगी बहुत खुशहाल थी, मैं अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देती थी और मेरी टीचर्स में भी मैं बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी। कॉलेज में सब अच्छा चल रहा था कि तभी एक लड़की रुचिका ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। वो मुझसे जलती थी। एक दिन जब मैं गर्मियों की छुट्टियों में हॉस्टल से घर वापस जा रही थी, रुचिका और उसकी दोस्तों ने मुझे कॉलेज के 5th फ्लोर पर बुलाया और कहा, कॉलेज का आखिरी दिन आज, सारे गिले शिकवे मिटा देते हैं और आज पार्टी करते हैं। मैंने सोचा शायद ये लोग अब सुधर गई हैं, पर वो सोचना ही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। हम सब कॉलेज से दूर एक वीरान जगह पर गए। वहाँ उन्होंने मुझे एक पेड़ से बांध दिया और मुझे शराब पिलाने की कोशिश करने लगी। मैंने बहुत चिल्लाया कि मुझे छोड़ दो, लेकिन उन लोगों ने मेरी नहीं सुनी। फिर रुचिका के कहने पर समिता ने मेरा हाथ काटा। मैं दर्द से चिल्ला रही थी लेकिन वो लोग हंसती रही। सारी हदें तो तब पार हो गई जब उन लोगों ने मेरे हाथ का मांस मुझे ही खिलाना शुरू कर दिया। मेरी इस हालत पर उनको ज़रा भी दया नहीं आई थी। आखिरकार उन्होंने मुझे एक बैग में भरकर रूम नंबर 113 में ले आकर डाल दिया और वहाँ से चली गई। वहीं मेरी मौत हो गई। वही था मेरी ज़िंदगी का आखिरी और मेरे लिए खूनी रात। मेरी लाश 3 महीने तक वहीं पड़ी रही जब तक उससे दुर्गंध आने लग गई थी। ये कहकर सपना फूट फूट कर रोने लगी। फिर एक डरावनी हंसी में बोली, अब मैं रुचिका और उसकी दोस्तों को नहीं छोड़ूंगी, पर उन्हें मेरे पास लाएगा कौन? अपने माथे पर उंगली रखते हुए वो बोली। फिर उसने मेरी तरफ उंगली उठाया और कहा, तू तो ये काम बहुत अच्छे से कर लेती है ना, जा अब मेरे लिए उसे ढूंढ के ला। ऐसा कहकर वो तो बेहोश हो गई पर मैं चिंतित हो गई। तभी वहाँ के पंडित ने कहा, तुम उन्हें ढूंढ लो और यहाँ लाओ, बाकी मैं संभाल लूँगा। मैंने अगले 5-6 दिन में उन्हें ढूंढ लिया और मेहंदीपुर ले आई, जहाँ सपना थी। रुचिका और समिता को देखते ही सपना हंसने लगी और खंभे पर चलने लगी।
उसे देख के ऐसा लग रहा था कि उसने जन्नत पा ली हो। पंडित जी आए और बोले, ये है ना तेरे कातिल सपना। उसने गुस्से में कहा, हाँ देख ले इसे, ये रुचिका जो अब कैंसर से जूझ रही है और उसकी ज़िंदगी कुछ ही महीने की बची है। क्या इस इंसान को मार के तुझे जन्नत मिल जाएगी जो खुद ही मौत के करीब है? पर सपना को ज़रा भी दया नहीं आई। अचानक से सपना खुद ही खुद कुछ बात करने लगी और वो बोल रही थी, तुम कुछ भी कर लो बाबा, मैं इससे अपनी मौत का बदला लेना चाहती हूँ। या तो तुम इन दोनों को सजा दो या मुझे आज़ाद करो ताकि मैं इन्हें अपने तरीके से समझा दूँ। ऐसा कहते ही सपना बेहोश हो गई और उसके शरीर से एक रोशनी निकली जिसने रुचिका और समीता पर एक ऐसा वार किया जिससे उनका सर धड़ से अलग हो गया। उस रोशनी ने अपना असली रूप धारण किया जो कि शालिनी थी। उसने मेरी और सपना की मम्मी की ओर देखा और कहने लगी, आज मेरा इंतकाम पूरा हो गया, तुम लोगों ने मेरी बहुत मदद करी जिसके लिए मैं तुम्हें शुक्रिया करती हूँ। मैं अब किसी को नहीं सताऊंगी, बस आप लोग इस बालाजी मंदिर में एक सभावणी चढ़ा देना। ऐसा कहकर वो जय बाबा की करते हुए वहाँ से चली गई। हमने पंडित जी से सभामणि के बारे में पूछा और उसे मंदिर को अर्पित किया और घर वापस आ गए। सपना भी अब बिल्कुल ठीक है, अब तो उसकी शादी भी हो चुकी है और उसके तो बच्चे भी हैं। लेकिन इस घटना को याद करने से ही मेरी रूह बहुत बुरी तरीके से कांप जाती है और ये पूरी घटनाएं मेरी आंखों के सामने आ जाती हैं। रुद्र जल्दी कर भाई, हमें निकलना भी है। और गॉड, ये लड़का या लड़की कितना सच रहा है तू। हाँ भाई हाँ, चल तो रहा हूँ। रश्मि मैं पहुँचकर फ़ोन करता हूँ, रुद्र ने जल्दबाजी में फ़ोन रखते हुए कहा। नहीं भाई, अभी तो अपनी पूरी प्रेम कहानी को आगे बढ़ा ले, हम तो बाद में भी चले जाएंगे, छुट्टी 2 साल बाद फिर मिल जाएंगी, मैंने रुद्र को ताना कसते हुए कहा। अबे ज़्यादा मत डांट मुझे, बिल्कुल मम्मी बना रहता है, रुद्र ने मुझे गुस्से में कहा। हाँ भाई, मैं तो हूँ ही तेरी मम्मी, अब आंटी जी की कमी तो पूरी करनी होगी ना, वरना बिगड़ जाएगा तू, आशिक पंछी कहीं का, मैंने चिढ़ाते हुए कहा। साहब आपको जाना है? नहीं, बाहर से ड्राइवर ने आवाज़ लगाई। हाँ हाँ काका आ रहे हैं, मैंने भी अब काका को जवाब दिया। हम दोनों कार में बैठे और काका ने गाड़ी चलानी शुरू करी। वैसे काका, आज हम जा कहाँ रहे हैं? उस जगह के बारे में थोड़ा बताइए ना। मैं तो कह रहा हूँ आप लोग अपने पुराने घर ही रहना, वहाँ मत जाना, वहाँ जाना ठीक नहीं है, काका ने हमें सचेत करते हुए कहा। अरे काका, हम कहीं नहीं जाएंगे, बस आप बता तो दीजिए उसके बारे में, मैंने काका को तसल्ली देते हुए कहा। तुम लोग इतना पूछ ही रहे हो तो सुनो, उस जगह का नाम है शनिवारवाड़ा का किला। कहते हैं वो एक भूतिया जगह है, एक किला जो कई बुरी शक्तियों का डेरा है, काका ने हमें बताते हुए कहा। अच्छा तो वो किला भूतिया कैसे बन गया? कोई कहानी या राज तो हो गई? हाँ कुछ कहानियाँ तो है, पर मुझे 2 ही पता हैं, ड्राइवर ने सोचते हुए कहा। तो फिर बताइए ना, हम सुनना चाहते हैं, रुद्र ने भी उत्सुकता से पूछा। कई लोग कहते हैं आज से 80-90 साल पहले वहाँ एक राजा भानु रहते थे, उनका साम्राज्य बहुत विशाल था, एक पुत्र भी था, पर किसी एक अंग्रेज ने आपसी रंजिश के चलते उनके बेटे को मार डाला। जिस दिन उसको मारा गया उस दिन उस लड़के की शादी थी और तब से वहाँ उस राजकुमार की आत्मा भटकती है और अपने कातिल का नाम पूछती है, इसीलिए रात में जाना वहाँ पर मना है, काका ने उस कहानी के बारे में बताते हुए कहा। अच्छा फिर तो वहाँ मैं ज़रूर जाऊँगा और उसे बता दूँगा तेरी मौत एक अंग्रेज़ ने की है और वो भी अब मर चुका है, तू भी अब निकल ले, रुद्र ने हंसते हुए कहा। बेटा हर चीज़ को मजाक नहीं उड़ाते, कुछ बातों पर यकीन करना और उनसे दूर रहना बेटर रहता है, काका ने हमें सतर्क करते हुए कहा। तभी मेरी नज़र रोड के साइन बोर्ड पर पड़ी जहाँ पर लिखा था शनिवारवाड़ा 2 KM एंड नाइट एंट्री नॉट अलाउड। कुछ देर में हम वहाँ पहुँचे,
चलो बात करते करते ही सारा रास्ता पूरा हो गया। ड्राइवर काका ने बताया, हम पहुंच गए क्या? हाँ बेटा, ये है पुणे का शनिवारवाड़ा, काका ने कहा। ड्राइवर काका ने किले से कुछ दूर तक हमारे चाचा के घर में छोड़ दिया हमें। चलो बेटा, अब तुम लोग यहीं रुको अपने घर में, मैं तुमसे 5 दिन बाद मिलूँगा, ड्राइवर काका ने वापस जाते हुए कहा। हमने चाचा को बाय बाय किया और घर के अंदर चले गए। वहाँ मैं हर 2 या 3 साल में जाता था, पर इस बार मुझे एक अजीब सी ठंड लग रही थी। हमने वहाँ अपना सामान जमाना शुरू करा और कुछ देर सोफे पर बैठे रहे। वाह भाई, कितनी मस्त जगह है। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था किसी हॉन्टेड प्लेस पर जाने की, रुद्र ने बहुत खुशी से कहा। तेरी कृपा है, चल थोड़ी सफाई कर ले, मैंने रुद्र की टांग खींचते हुए कहा। अरे यार, यहाँ नेटवर्क नहीं मिल रहा, रुद्र ने फ़ोन को चारों ओर घुमाते हुए कहा। हाँ यार, यहाँ नहीं लगता, लगता है जैमर लगा हुआ है यहाँ पर। तो तू अब ये बता, तू किस रूम में सोएगा? मैंने रुद्र से पूछा। ऊपर वाले रूम में, रुद्र ने अनगड़ाई देते हुए कहा। हम दोनों सोने चले गए। रात बहुत गहरी थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैं बालकनी से झांक कर सामने वाले किले को देख रहा था। और तभी मुझे कुछ अघोरी वहां से जाते हुए दिखे। थोड़ी देर बाद मुझे भी नींद आ गई और मैं भी सोने चला गया। अगले दिन जैसे ही मेरी नींद खुली, मुझे आवाज़ खुली। रश्मि, रश्मि तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही है, रुद्र अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था। मैं उसके पास गया। भाई, हम बैचलर ट्रिप आए हैं, तो अब रश्मि से बात नहीं कर सकता, मैंने रुद्र से फ़ोन छीनते हुए कहा। चल आज शनिवार वाड़ा में चलते हैं, रुद्र ने कहा। मुझे नहीं लगता हमें जाना चाहिए, क्योंकि मैंने सुना है कि भयानक जगह है वो, और मुझे थोड़ा डर भी लगता है, मैंने उससे मना करते हुए कहा। तू तो है ही डरपोक, लेकिन एक बात सोच, पता नहीं वहाँ पर क्या होगा जिसके बारे में ऐसी कहानी बनाई जा रही है, रुद्र ने कहा। बात तो सही है, चल आज शाम को हम चलते हैं वहाँ पर, फिर देखते हैं कौन है निडर और कौन है डरपोक, मैंने रुद्र को टोंट मारते हुए कहा। हम दोनों वहाँ किले के दरवाजे के पास पहुँचे तो वो बिल्कुल बंद था, और बाहर लगे बोर्ड पर लिखा था, नो एंट्री। देख, यहाँ दरवाजे पर साइन बोर्ड भी लगा है कि हमें यहाँ पर नहीं आना चाहिए, मैंने रुद्र को बहलाते हुए कहा। तभी अचानक वो बंद पड़ा दरवाज़ा खुला और अंदर से कुछ चमगादड़ बाहर की ओर निकल गए। ले, लगता है किला चाहता है कि हम अंदर जाएं, रुद्र ने हंसते हुए कहा। हम अंदर गए तो वहाँ काफ़ी अजीब सी स्मेल आ रही थी। हम वहाँ कई कमरों में गए, कुछ के दरवाजे खुले थे लेकिन कुछ के नहीं। धीरे धीरे शाम और गहरी होने लगी और वहाँ एक अजीब सी शांति छा गई, जो शांत होते हुए कुछ कह रही थी। एक काम कर, तू दाई और जाओ बाई और, शायद कुछ मिले, मैंने रुद्र से कहा। मैं दाई और बढ़ने लगा और तभी मेरे कानों में किसी ने गर्म आह भरते हुए कहा, लौट जाओ। तभी विशाल, विशाल वहाँ कोई है यार, रुद्र घबराते हुए मेरे पास भागता हुआ आया। क्या हुआ? भाई, जब मैं तो उससे बिछड़ा और आगे की ओर चला, तब एक कमरे के पास मैं खड़ा हुआ और तभी मुझे अपने कान के पास किसी की गर्म सांस महसूस हुई। जब मैंने पीछे देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। मैंने सोचा शायद मेरा वहम होगा, पर जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश करी, किसी ने मेरा पैर पकड़ लिया। मैं जैसे तैसे तेरे पास आया हूँ भाई, अब मैं यहाँ नहीं रुकूँगा, रुद्र ने डरते हुए कहा। हाँ ठीक है, हम यहाँ से चलते हैं, मैंने उसके साथ हामी भरते हुए कहा। मुझे भी अपने साथ ले चलो, मुझे भी अपने साथ ले चलो, मुझे भी ले चलो। एक तेज़ आवाज़ हमारे कानों में पड़ी। मैं जैसे ही पीछे मुड़ा और देखा, एक सजा हुआ दूल्हा हमारे सामने खड़ा था और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। उसकी आवाज़ पूरे किले में गूंज रही थी। हम रुके नहीं और भागते ही रहे और किले से बाहर आ गए। तभी सामने से एक अघोरी हमारे सामने आकर खड़ा हो गया। वो तुम्हारे साथ जाना चाहता है, अघोरी ने भारी आवाज़ में कहा। पर कौन, आप कौन है? मैं कौन हूँ इसे जानकर तुम क्या करोगे, पर यह जान लो, जो तुम्हारे पीछे खड़ा है वो तुम्हारे साथ जाएगा। कौन खड़ा है हमारे पीछे, रुद्र ने डरते हुए पूछा। चलो मेरे पीछे,
अघोरी ने किले के अंदर जाते हुए कहा। वी शुड नॉट गो यार, रुद्र ने बहुत डरी हुई आवाज में उससे कहा, पर फिर भी मैंने उसका हाथ पकड़ा और हम दोनों सगोरी के पीछे पीछे गए। इस कमरे की अलमारी में एक कंकाल है, निकालो उसे, उसका अंतिम संस्कार जरूरी है। अघोरी ने उसी कमरे में जाकर ये बात कही जहाँ रुद्र का पैर किसी ने पकड़ा था। उसने अलमारी खोली तो वहाँ सच में एक कंकाल था। लग रहा था जैसे शरीर को सीधे रख दिया गया हो और उसे कीड़ों ने खा लिया हो और अब सिर्फ हड्डियाँ बच रही थी, बिल्कुल सूखी और टूटी हुई। जल्दी से बाहर ले चलो और संभाल कर, एक भी हड्डी छूटनी नहीं चाहिए वरना इसे मुक्ति नहीं मिलेगी, अघोरी ने सचेत करते हुए कहा। हमने उसे उठाया और ध्यान से उसकी सारी हड्डियाँ गिनी, दो हाथ दो पैर, खोपड़ी, सारी हड्डियाँ, पांच पांच उंगली हाथों की। सब ठीक है, मैंने अघोरी से कहा, तो फिर इसका अंतिम संस्कार करो, अघोरी ने तेज़ और डरी हुई आवाज़ में कहा। हमने उसका संस्कार कर दिया और अगले ही दिन वहाँ से रवाना हो गए। जब मैंने आखिरी बार उस किले की ओर देखा तो वही लड़का मुझे फिर से दिखाई दे गया। मुझे भी अपने साथ ले चलो, ले चलो। उस आवाज़ को सुन मेरा गला सूख गया, पर मैंने नज़रअंदाज करते हुए अपनी मम्मी से सीखी हुई हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। वो लड़का वहीं खड़ा रहा और मुझे भी अपने साथ ले चलो चिल्लाता रहा और उसकी आवाज़ पूरे किले में गूंज रही थी, क्योंकि उसके दाहिने हाथ की छठवीं उंगली अलमारी के पास रखी मेज में नीचे से झांक रही थी। जब लोग अपना घर छोड़ के किसी दूसरी सिटी में मूव इन करते हैं और वहाँ पे अकेले रहना शुरू करते हैं तो क्या सोचते हैं, उन्हें किस बात का डर रहता है, अपने घर से दूर होने का या फिर किराया टाइम पे देने का या फिर शायद अपने सारे काम खुद करने का। खैर, इस सब को साइड करते हुए आखिरकार पिछले हफ्ते जब मेरी जॉब लगी बेंगलोर के बाहर, तब मैं उस सिटी में मूव कर गया। अब मैं आपको एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं बता सकता क्योंकि मैं अभी उस जगह के आसपास में ही रहता हूँ। सवाल सीधा सीधा इंसिडेंट पर आ रहा हूँ। वो एक घर था जिसे मैंने रेंट पे लिया था, घर का किराया भी ज़्यादा नहीं था और उसके पीछे की साइड एक लॉन भी था जो कि ठीक ठाक साइज़ का था। लॉन देखने के बाद सबसे पहले जो चीज़ मेरे दिमाग में आई वो थी पार्टी, जो कि मैं अपने दोस्तों के साथ अब वहाँ पर करने वाला था। सारा सामान मूव करते हुए मेरी नज़र गई सामने की तरफ। सामने एक अजीब चीज़ जो कि मैंने देखी वो ये कि सामने एक पेड़ के नीचे एक झूला लगा हुआ था और उस झूले पे एक बच्चा बैठा हुआ था जो कि उस झूले पे झूल रहा था। थोड़ी अजीब बात उस बच्चे की ये थी कि उसने इतनी गर्मी में भी हुडी पहन रखी थी और हाथ में दस्ताने लगा रखे थे, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा था गर्मियों के लिए। लेकिन फिर मैंने सोचा मुझे क्या, होगी कोई ना कोई बात, और मैं अपने काम में लग गया। धीरे धीरे जब मैंने सारा सामान मूव इन कर लिया तो मैंने अपने दोस्तों से कहा कि आज रात में मेरे घर पे पार्टी है और इसीलिए वो सभी लोग मेरे घर पे आ सकते हैं। खैर, इसी के बाद मैं और मेरा एक दोस्त जो कि मेरे घर पे आया हुआ था मेरा सामान निकलवाने में मदद कर रहा था। शाम तक हम लोग काफ़ी सारा सामान निकाल चुके थे और कई घंटे हमें यहाँ पे आए हुए हो चुके थे। तभी बात करते के साथ साथ उसने मेरे से एकदम से पूछा, अब तो तुम अपने पड़ोसी से मिले? मैंने कहा, नहीं यार, अभी कहाँ, अभी मैं किसी से भी नहीं मिला हूँ और मेरे ख्याल से तो यहाँ पे पड़ोसी भी थोड़े अजीब से हैं। अब मैं उसे उस बच्चे के बारे में बताते हुए उसी जगह पे देख रहा था सामने की ओर जहाँ पे वो बच्चा मैंने पहले देखा था, और अब जब मैंने वहाँ देखा तो मेरे चेहरे पर एक बार फिर से कंफ्यूजन वाला लुक आ गया, क्योंकि वो बच्चा जो कि दोपहर में उस टाइम पे उस झूले पे झूल रहा था वो अब भी उसी जगह पर था, एकदम सुनसान जगह पर पेड़ के नीचे अपने झूले पर आराम से बिल्कुल वैसे ही झूल रहा था जैसे उस समय। जब मैंने ये बात अपने दोस्त को बताई तो उसने शायद ही उस तरफ एक बार भी देखा होगा और कहा, होगी कुछ बात, शायद मेंटली ठीक नहीं होगा, तुझे क्या है, अपना काम कर दू। मैं यही सोचने लगा, क्या ये बच्चा सारी रात इस झूले पर बैठा रहेगा, और मुझे सोच के थोड़ा अजीब भी लगने लगा,
खैर इस सब के बाद मेरे सारे दोस्त आ गए और हम सभी लोग पार्टी करने लगे। एक बार पार्टी शुरू होने के बाद कितनी देर तक चली मुझे भी नहीं याद, लेकिन मुझे याद है रात में लगभग 2:30 बजे के आसपास मौसम थोड़ा बिगड़ने सा लगा और ठंड भी थोड़ी बढ़ने लगी। तो मैंने अपने दोस्तों से कहा कि एक काम करते हैं, सभी लोग घर के अंदर आ जाओ, लॉन में रहना अब सही नहीं है। इसी वजह से वो सभी लोग अंदर भी चले गए। मैंने सोचा यही मौका है कि 5-10 मिनट में मैं लॉन को थोड़ा साफ भी कर देता हूँ जल्दी से, क्योंकि वहाँ पर कई सारी बियर की बॉटल्स और ये सब पड़ा हुआ था। अब पिछले कई घंटों से तो हम पार्टी कर रहे थे, लेकिन अब क्योंकि सभी लोग अंदर चले गए थे तब मेरी नज़र अब जाके उस जगह पे गई जहाँ पे वो बच्चा था। और ये देखकर मेरी हैरानी की और कोई सीमा नहीं रही कि वो बच्चा अभी भी उसी जगह पर उसी झूले पर बैठा हुआ था और झूला झूल रहा था। सेम हुडी, वही दस्ताने। एक मिनट के लिए तो मैं एकदम से शॉक में चला गया था, क्योंकि सही में उस समय रात के 3 बज रहे थे लगभग। आप खुद सोचिए अगर आप ऐसा कुछ देखोगे आपका क्या रिएक्शन होगा। मैं भी उसको देख ही रहा था कि एकदम से पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा हेलो। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक लगभग अधेड़ उम्र के आदमी थे वो, जिन्होंने पजामा और स्लीपर पहन रखी थी, और उन्होंने मेरे से हेलो करते हुए कहा मैं आपका पड़ोसी हूँ। मैं आपको परेशान तो नहीं करना चाहता, लेकिन इस समय शायद आप लोग बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे हो, तो अगर आप थोड़ा म्यूज़िक कम कर सकते हो तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरी पत्नी भी सो रही है और मुझे भी इस समय सोने की आदत है। उन्होंने जब मुझसे ये कहा तो मुझे थोड़ी सी एम्बैरेसमेंट फील होने लगी और मैंने कहा हाँ जी सर माफ़ करिएगा, थोड़ी हमने ज़्यादा कर दिया। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने मुझसे कहा था इसलिए मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मैंने फ़ौरन ही अंदर जाके म्यूज़िक को कम कर दिया और उसके बाद थोड़ी सी बात और करने लगा। मैंने उन्हें अपना नाम बता दिया और उन्होंने भी मुझे अपना नाम बताया। बात करते करते उनकी नज़र भी मेरे पीछे पीछे उस झूले वाले बच्चे पर गई और उन्होंने कहा तुमने शायद उसे नोटिस तो कर ही लिया होगा है ना। मैंने कहा हाँ मैंने देखा है उसे, लेकिन आप जानते हो कि उसके साथ चक्कर क्या है, आखिर वो पूरे दिन कैसे वहाँ पर बैठा हुआ है। हाँ किसी को भी इस बारे में अच्छे से तो नहीं पता। ऐसा कहते कहते एकदम से उनकी आंखें एकदम से डर से चौड़ी सी होने लगी, वो एकदम से उस जगह पर ध्यान से देखने लगे और उनकी आंखें वहीं पर रुक गई। देखो 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 उसकी मम्मी आ गई। मैं भी पीछे मुड़ के देखा तो देखा अब वो झूला रुक चुका था और बिल्कुल शांत बैठा हुआ था। अब जब मैंने उसकी तरफ देखा तो ये देखकर मुझे काफ़ी हैरानी हुई कि वो अपने हाथों के बल ज़मीन पर बैठकर ज़मीन को खोदने की कोशिश कर रहा था, और मतलब मुंह से वो काफ़ी अजीब सी आवाज़ निकाल रहा था जैसे टाइप ऑफ गुर्राने की। मैं तो एकदम से उस बच्चे की तरफ जाकर दौड़ने लगा, लेकिन तभी मैं थोड़ा आगे जाके रुक गया क्योंकि पीछे से शायद उसकी मम्मी आ रही थी। मैं एकदम से हैरान था कि आखिर ये सब होने क्या लगा, और मैंने देखा कि उसकी मम्मी की भी हेल्थ ज़्यादा कुछ खास नहीं थी और वो काफ़ी पतली सी औरत थी। उनकी आंखें देखकर तो लग रहा था कि शायद कई रातों से वो सोई ही ना हो। अपने बेटे के पास पहुंचने के बाद उन्होंने उसके हाथ के पास में कुछ सफ़ेद सी गोलियां गिरा दी, और इससे पहले वो कहती भी कि उसे खा लो, उस लड़के ने एकदम से बहुत ही अजीब तरीके से गोली उनके हाथ से छीनी और खाने लग गया। मैं और मेरे साइड में खड़े वो पड़ोसी दोनों ही एकदम शांत होकर ये सब चीज़ देख रहे थे। जिस छोटी सी शीशी में से उन्होंने वो गोलियां उसके सामने गिराई थी उसे खाली करने के बाद वो उसे लेकर अंदर की ओर जाने लगी। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मैंने अभी भी क्या था देखा। तभी मेरे साइड में खड़े आदमी ने कहा मरीजों की हालत सुधरती है, लेकिन इस बच्चे को मैं जब से देख रहा हूँ इसकी हालत बस बिगड़ती जा रही है। मैंने फिर से पूछा उसके साथ आखिर हुआ क्या है, तो उसने कहा मुझे नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। अच्छा खैर चलो मैं जाता हूँ, गुड नाइट। खैर सबके बाद मैंने भी अपनी पार्टी वार्टी बंद करी और सोने लग गया। अगली सुबह जब मेरी आँख खुली तो मेरे ऊपर पिछली रात का बहुत ज़्यादा नशा चढ़ा हुआ था और मैं काफ़ी ज़्यादा सिर दर्द से परेशान था। इतना तो मुझे पक्का हो गया था कि आज मैं अपने काम पर नहीं जा पाता। मैं बाथरूम में गया और वहाँ पर बेसिन के पास खड़ा हो गया, और वही हुआ जो कि मेरे साथ हो रहा था। मैंने काफ़ी सारी उल्टी कर दी।
लेकिन उसके बाद मुझे थोड़ा ठीक भी महसूस होने लगा और मैं वापस से खाने पीने का काम करने लगा। ब्रश करते वक्त मुझे मेल बॉक्स के बाहर किसी की आवाज़ आई। मैं भी सोचने लगा इतनी जल्दी यहाँ पर मेरा एड्रेस किसी को कैसे मिल गया और इतनी जल्दी पार्सल आना थोड़ा अजीब था, लेकिन मैंने तभी नोटिस नहीं करा और अपने काम करता रहा। आखिरकार अपना सारा काम निपटाने के बाद मैं घर के बाहर गया और मेल बॉक्स के पास रखे उस इकलौते पार्सल को देखा। खैर, मैंने एक गलती जो करी वो ये कि मैंने उस पर डिटेल्स को पढ़ा ही नहीं और बिना एड्रेस को ठीक से देखे सीधा अंदर ले आके उसे फाड़ दिया और ओपन कर दिया। अब जो चीज़ उसके अंदर थी वो मेरे लिए काफ़ी अजीब थी। ये वही शीशी थी जो पिछली रात मैंने सामने वाली औरत के हाथ में देखी थी। अब जाके मेरे पार्सल के ऊपर एड्रेस पे नजर गई तो मैंने देखा कि उसने गलत जगह पर डिलीवरी कर दी है। उसे एक्चुअली में सामने डिलीवरी करनी थी। अब उस टाइम क्योंकि मेरी हालत थोड़ी अजीब सी भी थी तो मेरा मन बिल्कुल भी नहीं था कि मैं कपड़े वगैरह पहन के सामने जाऊं और नया शीशी देकर आऊं। मैंने एक बार खिड़की से बाहर देखा तो पाया कि वो बच्चा अभी भी अपनी हरकत करे जा रहा था, यानी कि झूले पे झूल रहा था। मैंने खुद से ऐसे ही कहा, अभी तो उसकी मम्मी ने रात में उसे पिलती हैं, अभी मैं रात में चला जाऊंगा, तब तक कुछ हो थोड़ी आएगा। यही सोच के मैंने वह दवाई की शीशी और जो भी कुछ भी था उसे वहीं पर रखा और अपना काम करने लगा। अब मुझे नहीं याद मैं कब अपने रूम में गया और कब बेड पे लेटने के बाद मुझे नींद आ गई। अब मेरी आँख जब भी खुली उस समय मुझे काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा था। मुझे अपने चारों ओर बस थोड़ी लाइट लाइट सी दिखाई दे रही थी। कानों में किसी गाड़ी की पीछे रिवर्स में जाने की आवाज़ आ रही थी और अपनी आंखों के सामने लाल और नीली लाइट जलते हुए धीरे धीरे जलते बुझते हुए दिख रही थी और वो रोशनी मेरी खिड़की के बाहर से आ रही थी। मैं एकदम से उठा और सोचने लगा कि मैं सपना तो नहीं देख रहा। उठ के मैं जैसे ही बाहर गया तो मैं ये देखकर हैरान था कि मेरे घर के आगे काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। उसके बाद मैं बाहर देखने के लिए गया तो भीड़ में मैंने एक जगह पर अपने उन्हीं पड़ोसी को पाया जिनसे मैं रात में मिला था। मैं फौरन उनके पास चला गया और मैंने उनसे कहा, यहाँ क्या हो गया? अभी पक्का तो नहीं पता पर शायद कुछ हुआ है सामने घर में। जब थोड़ी देर बाद हमने वहाँ पे देखा तो उस बच्चे के पापा जो थे शायद वो पुलिस से कुछ बात कर रहे थे। उनकी बॉडी काफ़ी पतली सी थी और वो भी काफ़ी कमज़ोर ही लग रहे थे। यार अभी हम इससे ज़्यादा कुछ समझ पाते। एकदम से उनके घर का दरवाज़ा खुला और जो चीज़ हमने देखी उसे देख के हम सभी लोग बहुत ज़्यादा डर गए। हमने देखा दो पुलिस वाले बाहर आए और उनके पीछे कुछ मेडिकल टीम के लोग थे जो कि उस बच्चे की माँ को अंदर से कुर्सी पर बिठाकर बाहर ला रहे थे। और सबसे ज़्यादा डरावनी बात यह थी, उनकी कलाई बहुत बुरी तरीके से कटी हुई थी जिसमें से खून ऐसे गिर रहा था मानो पानी की टंकी से पानी बहता हो। हम ये दरार देखकर बहुत ज़्यादा डर गए थे और आसपास की सभी पब्लिक एकदम से चिल्लाने विल्लाने लगी। उसका चेहरा देखने में काफ़ी ज़्यादा अजीब हो गया था और काफ़ी ज़्यादा मुझे डर लग रहा था। खैर, तब तक भी पुलिस वालों ने ये नहीं कहा था कि उनकी डेथ हो चुकी है और वो उन्हें एडमिट करने के लिए ले जा रहे थे। इस सब के बाद एक पुलिस वाला जैसे ही हमारी सारी भीड़ ने एक साथ उनसे पूछा, आखिर हुआ क्या है और वो लोग ठीक तो है ना, उसने कहा कि हाँ सब कुछ ठीक है और यहाँ पे शायद किसी ने अटैक करा है। जिस तरीके से उसने कहा हमें साफ पता लग गया था कि वो साफ झूठ बोल रहा है। एकदम से वो ये बोल के बचना चाहता था, लेकिन तभी मैंने पूछा, बच्चे को भी चोट लगी है क्या? उसने थोड़ा इरिटेट सा होकर कहा, नहीं हमें पता नहीं है कि वो कहाँ है, अटैक के बाद वो यहाँ पे था नहीं, हो सकता है वो भाग गया हो यहाँ से, अगर आप में से कोई देखे उसे तो हमें कॉल कर देना। कुछ देर तक मैं वहीं खड़ा रहा और सोचता रहा आखिर क्या हो गया एकदम से, और उसके बाद धीरे से अपने घर में चला गया। मेरे माइंड में एक बात जो आ रही थी वो ये, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मेरी वजह से हुआ हो कि मैंने उन्हें वो पिल्स नहीं लौटाई। अब मैं सोच रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन तभी मेरे दिमाग में सबसे पहले आया कि मुझे सबसे पहले तो वो शीशी उन्हें वापस कर देनी चाहिए। लेकिन गलती तो मैंने यही कर दी थी कि मैंने किसी का पार्सल बिना उसकी मर्ज़ी के खोल दिया था। तो मैं सोच रहा था कि मैं कैसे उसे वापस करता, तो मेरे दिमाग में आया
कि बाद में जाके उस शीशी को सीधा उनके गेट पे रख के वापस आ जाऊंगा। अब जाके मैंने अपने घर की खिड़की से एक बार फिर से उस पेड़ के पास देखा जहाँ पे वो बच्चा झूला झूलता था, और उस जगह पे देखने के बाद सही में मेरी हालत एकदम खराब हो गई थी, क्योंकि अब मैं साफ देख पा रहा था कि उस पेड़ के थोड़ा आगे पीछे की साइड कुछ खून के साथ साथ उस बच्चे के कपड़े यानी कि उसके दस्ताने और उसकी हुडी भी पड़े हुए थे। इतना तो साफ लग रहा था कि या तो वो बच्चा बहुत बुरी तरीके से घायल है या फिर शायद मर ही चुका है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी खून भी पड़ा हुआ था। उधर देखने की मैं कोशिश कर ही रहा था कि मुझे अपने पीछे से एक बहुत ही भयानक आवाज़ आई। मैं एकदम से पीछे पलटा और देखने लगा कि आखिर ये आवाज़ आई कहाँ से और क्या मेरा वहम था, लेकिन नहीं, ये आवाज़ सच में आ रही थी और काफ़ी ज़्यादा भयानक आवाज़ थी। इतना मुझे समझ में आ गया था कि कुछ ना कुछ खतरनाक चीज़ है शायद जो कि मेरे घर में आ चुकी है। अब क्योंकि लाइट मैंने ऑफ कर रखी थी उस टाइम तक, मैंने फ़ौरन अपने पॉकेट से फ़ोन निकाला और उसकी फ्लैश लाइट को ढूंढने लगा, और तभी मेरी नज़र गई सामने। सामने मैं देख पा रहा था एक अजीब सा जीव अपने दोनों हाथ और दोनों पैरों पर रेंग रेंग कर मेरी तरफ आ रहा था। जी हाँ, ये और कोई नहीं, ये वही बच्चा था, लेकिन बहुत ज़्यादा बेकार हालत में। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उसके मुंह की जो आवाज़ आ रही थी वो किसी गुर्राने की आवाज़ से बिल्कुल कम नहीं था। मैं अगले कुछ सेकंड तक तो बिल्कुल खड़ा रह गया, लेकिन तभी मेरे अंदर थोड़ी हिम्मत आई और मैंने अपने फ़ोन की फ्लैश लाइट को चालू कर दिया। और जैसे ही मैंने उस फ्लैश लाइट को ऑन करा, वो बच्चा या फिर जो भी चीज़ थी मेरी ओर देखने लगा। आपने महसूस करा होगा जब आप एक बहुत बुरे सपने के बीच में होते हो और चाहते हो कि अगर आप सपने में हो तो उठ जाओ, बस उठ जाओ और सपने से बाहर निकल जाओ। लेकिन मेरे लिए वो सबसे बुरा सपना हकीकत बन चुका था। वो बच्चा इतनी ख़राब हालत में था या फिर जो भी था, मुझे बस साफ लग रहा था कि आज ये मुझे मार डालेगा। उसके पूरे शरीर पर अजीब से स्कार्स थे और उसकी स्किन जगह जगह से फटी हुई थी। जब उसने अपनी आंखों को ऊपर किया तब जाके मेरी और हालत ख़राब हो गई, क्योंकि उसकी आंख नहीं सिर्फ दो काले गड्ढे दिख पा रहे थे मुझे। हिल तो मैं बिल्कुल पा ही नहीं रहा था और बस सोच रहा था कि अब मेरे साथ क्या होने वाला है। वो धीरे धीरे रेंग रेंग कर ठीक मेरे एक या दो फुट की दूरी तक आ चुका था। तभी उसकी नज़र गई मेरे सामने रखी उसकी उस दवाई वाली शीशी पर जो मुझे लौटानी थी। मैं एकदम से समझ गया कि शायद मुझे क्या करना है। मैंने एकदम से उस शीशी को अपने हाथ में लिया और पूछा, ये ले लो। वो एकदम से अपने दोनों पैरों पर खड़ा हुआ और आसमान की ओर देखकर बहुत जोर से चिल्लाया, जब वो चिल्ला रहा था तो मैंने उसके दांत देखे जो कि काफ़ी ज़्यादा भयानक लग रहे थे। और अब मुझे समझते देर नहीं लग रही थी कि इसकी मम्मी का जो हाल हुआ था वो और किसी वजह से नहीं बल्कि शायद उसकी वजह से ही था। मेरे हाथ कांप रहे थे, फिर भी मैंने जैसे तैसे करके वो गोलियाँ उसके सामने निकाल दी। मैं बस चाहता था कि एक बार ये मेरे घर से चला जाए। उसने एक बार फिर से अजीब तरीके से घुर्राया और उस सारी गोली उठाकर धीरे धीरे वापस जाने लगा। घर से निकलने से पहले एक बार उसने मेरी ओर देखा और एक झटके में वो सारी गोलियां अपने मुंह में डाल ली। इसके बाद वो काफी तेज से भागते हुए सीधा सामने पेड़ के पास गया, उसने अपनी हुडी पहन ली और चुपचाप अपने झूले पर बैठकर झूलना शुरू कर दिया, बिल्कुल ऐसे जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। मैंने फौरन अपना दरवाजा बंद करा और एकदम से जमीन पर बैठ गया और सोचने लगा, ये मेरे साथ क्या हो गया। खैर, उसकी मम्मी अभी भी आईसीयू में ही थी और अब मैंने दो तीन बार देख लिया था कि अब वही गोलियां उस लड़के के पापा उसे खिलाते थे जो कि उसकी मम्मी पहले खिलाती थी। मैंने फैसला करा मैं ये बात किसी को भी नहीं बताऊंगा और चुपचाप उस जगह से घर खाली कर दूंगा, कि अभी मैंने कुछ ऐसा ही। दो हफ्ते बाद ही मैंने वहां से मूव कर दिया। लेकिन मेरे साथ इस घटी घटना का जो इम्पैक्ट मेरे पे पड़ा है
वो बहुत भयानक है। कई बार मुझे इस चीज़ से रिलेटेड बुरे सपने आते हैं और मैं सोचने लग जाता हूँ कि आखिर हो क्या रहा था वो और क्यों हो रहा था। आपका इस पूरी घटना के ऊपर क्या विचार है मुझे ज़रूर बताइएगा। ये घटना साल 2010 की है, जो कि एक बहुत बड़ी बिल्डिंग की हुई थी। दरअसल उस बिल्डिंग में 5वें फ्लोर पे एक नर्सिंग होम था, जहाँ पे थोड़े मेंटली इल पेशेंट्स रहते थे। बाकी सारे फ्लोर्स पर अपार्टमेंट और ऑफिस थे। 7 दिन पहले एक बूढ़ी औरत, जिसका नाम मैं आपको बताना नहीं सकता, वो दरअसल वहाँ से गायब हो गई थी। काफ़ी टाइम तक उसकी खोज चलती रही, लेकिन वो कहीं पर मिली नहीं। लेकिन 7वें दिन एक बूढ़े आदमी, जो कि उसी अपार्टमेंट में ऊपर रहते थे 7th फ्लोर पर, उनके साथ एक ऐसी घटना घटी जिसने सभी को एकदम हैरानी में डाल दिया। वो बूढ़े अंकल 7th फ्लोर पे अपने अपार्टमेंट में अकेले रहते थे, क्योंकि उनकी बेटी शादीशुदा थी और इसी शहर में दूसरी जगह पर जॉब करती थी। वो लिफ्ट का यूज़ करने वाले थे, और जैसे लिफ्ट के दरवाजे खुले, उन्होंने देखा कि लिफ्ट के अंदर एक बूढ़ी औरत पहले से खड़ी हुई थी और वो बाहर तब भी नहीं निकली। उन्होंने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा, जबकि अजीब भी था। लेकिन उन्हें और ज़्यादा अजीब तब लगा जब उन्होंने देखा कि उस बूढ़ी औरत ने लिफ्ट का कोई भी बटन नहीं दबाया था। और वो थोड़ा कंफ्यूज हो गए और ये सोचने लगे कि शायद ये 5वें फ्लोर पर कोई मेंटल पेशेंट है। उन्होंने अपना 7th फ्लोर का बटन दबा दिया और उनसे एकदम अच्छे से पूछा, आपको कौन से फ्लोर पर आना है? उस बूढ़ी सी औरत ने एक काफ़ी अजीब सी आवाज़ में कहा, 6th फ्लोर पे। उस बूढ़े आदमी ने ज़्यादा कुछ नहीं सोचा और 6th फ्लोर का बटन दबा दिया, ताकि वो उन्हें वहाँ पे छोड़ सके। धीरे धीरे जैसे जैसे लिफ्ट ऊपर बढ़ रही थी, वो बूढ़े आदमी उस औरत से कुछ ना कुछ पूछने की कोशिश कर रहे थे और ऐसे भी कह रहे थे। 6th फ्लोर से काफ़ी टाइम से खाली था, वो मेरे ख्याल से काफ़ी टाइम पहले बिक गया था, लेकिन उसके बाद वहाँ पे जिसने ख़रीदा था वो आया ही नहीं। आपने खरीदा था क्या वो? लेकिन इस पर उस औरत ने बिल्कुल भी कोई जवाब नहीं दिया, इसीलिए अब उन्होंने भी सोचा कि शायद इनके साथ कोई दिक्कत है। कुछ देर बाद वो दोनों ही 6th फ्लोर पे आ चुके थे और एलिवेटर खुल गया था, पर वो औरत लिफ्ट से बाहर निकली ही नहीं। आपको इसी फ्लोर पर उतरना था ना, जाना नहीं आपको? ये कहते हुए उस बूढ़े आदमी ने एकदम से पीछे जैसे ही मुड़ा, वो एकदम हैरान हो गया, क्योंकि उसके पीछे लिफ्ट एकदम खाली थी, वो अब वहाँ पे नहीं थी। अब उस बूढ़े आदमी को बहुत ज़्यादा डर लगने लगा और वो सोचने लगा कि सच में अभी अभी उसने एक भूत को देखा। उस लिफ्ट के बाहर एक जाली वाला दरवाज़ा भी लग रहा था, और लिफ्ट खुलने के बाद जाके अब जाके वो जाली वाला दरवाज़ा खुला और उस बूढ़े आदमी ने देखा कि उसके पास कुछ आ रहा है, और वो ये देखकर हैरान हो गया कि उसके सामने एक बूढ़ी औरत की लाश थी। वो लाश बिल्कुल बुरी तरीके से सड़ चुकी थी, जिसकी स्किन भी लगभग ग्रे कलर की हो चुकी थी, और पूरी शरीर का मांस काफ़ी ज़्यादा पक रहा था, आंखें एकदम सफ़ेद हो गई थी। वो लाश एकदम से उसके ऊपर गिरी और वो बहुत ज़्यादा डर गया। ये देखकर उसकी हालत और ज़्यादा ख़राब हो गई कि वही औरत थी जिसको वो अभी अभी लिफ्ट में देखा था। वो लाश एकदम से उसके सामने गिरी और बीच में ही लिफ्ट के फंसी रह गई। वो बूढ़ा आदमी लिफ्ट के एकदम कोने में जाकर बैठ गया और एकदम से डर गया। अब वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो करे तो करे गया, क्योंकि वो लाश लिफ्ट में बीच में ऐसे फंस गई थी कि अब वहाँ से वो ना तो ऊपर जा सकती थी और ना ही नीचे आ सकती थी। वो आदमी अब डर से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। उसने जैसे तैसे अपना फ़ोन निकाला और अपनी बेटी को कॉल करने लगा कि उसे उसकी मदद चाहिए। काफ़ी देर तक वो नंबर ट्राई करता रहा, लेकिन बैड नेटवर्क की वजह से वो डायल नहीं कर पा रहा था। लेकिन जब कॉल गई तो उसने फ़ौरन ही अपनी बेटी को मदद के लिए वहाँ पर बुला लिया। कुछ ही समय बाद उस जगह पर पुलिस भी आ गई, लेकिन पुलिस वाले भी उनकी खास मदद कर नहीं सकते थे, क्योंकि वो बिल्डिंग ऐसी थी कि उसमें कोई भी सीढ़ियाँ नहीं थी और लिफ्ट से ही सारा काम होता था, और 6th फ्लोर पर जहाँ ये सब हो रहा था वहाँ पर जाने का और कोई रास्ता नहीं था, बल्कि उस जगह पर जालियाँ भी लग रही थी। पुलिस वाले ने उन बूढ़े आदमी को कॉल पे यही समझाया कि आपको लाश को अंदर की ओर धकेलना होगा ताकि लिफ्ट वापस से काम करने लगे।
वो बूढ़ा आदमी ये सोचकर कांप गया कि उसे अब उस लाश को अंदर खींचना था, लेकिन उसके पास और कोई चारा नहीं था। वो बहुत ज्यादा डर भी रहा था क्योंकि बाहर अंधेरा भी हो रहा था, और उसे डर था कि कहीं उसके साथ कोई और अनहोनी ना हो जाए। यही सोच के उसने जैसे तैसे करके उस लाश को धीरे धीरे लिफ्ट के अंदर खींच दिया, और आखिरकार लिफ्ट चलने लगी और लिफ्ट नीचे आ गई। पूरी लिफ्ट में उस लाश की बहुत ही बुरी बदबू फैली हुई थी। बाहर निकलते के साथ ही वो बूढ़ा आदमी एकदम चैन की सांस लिया। बाद में आखिरकार ये सारी चीजें पता लगी कि ये उसी औरत की बॉडी थी जो कि 7 दिन से लापता थी। घटना ये पता चली कि 6th फ्लोर जो कि उस पूरी बिल्डिंग में खाली रहता था हमेशा, दरअसल जिन लोगों ने उसे खरीदा था वो कभी पता नहीं किस वजह से उस जगह पर आते नहीं थे, और उन्होंने उस जगह पर जाली लगवा रखी थी जो कि लिफ्ट के ठीक बाद ही थी। वो जो बूढ़ी औरत थी उसे एक बार 5th फ्लोर पे अपने मेंटल असाइलम में जाना था, लेकिन उसने शायद गलती से 6th फ्लोर का बटन दबा दिया, और जब वो वहाँ पे ऊपर पहुंची तो उसने दरवाजा खोलने के बाद किसी भी तरह से शायद वो उस जाली में फंस गई, और उसके बाद वो लिफ्ट चलने लग गई जिसकी वजह से उसकी लाश लिफ्ट के साथ साथ थोड़ा ऊपर भी चली गई और वहीं पर एक जगह पर जाकर फंस गई। बाद में जब उनकी ऑटोप्सी हुई तब भी कारण यही आया कि उनकी मौत डिहाइड्रेशन से हुई थी, यानी कि वो उस जगह पर फंस गई थी। लेकिन इस पूरी घटना से एक बात जो साफ हो गई वो ये थी कि आत्माएं भी कभी कभी अपनी मौत होने के कारण को बता देती हैं। लेकिन इस बूढ़े आदमी के साथ घटी ये घटना पूरी जगह पर बहुत बुरी तरीके से फैल गई और सभी लोग हैरानी में आ गए। मैं पश्चिम बंगाल का रहने वाला हूँ। मैं आपको ये नहीं बता सकता कि मेरा नाम क्या है या फिर मैं एग्जैक्टली किस जगह का हूँ, पर यूँ समझिए कि आज मैं एक तरीके से अपना एक कन्फेशन आप सभी लोगों को देने आया हूँ, या फिर जो कुछ भी आप समझो। ये घटना आज से लगभग 10 महीने पहले शुरू होती है। मुझे याद है मेरी बेटी को स्कूल जाना था, और वो सुबह से उठकर बहुत ही प्यार से मेरे से आगे कहती है, पापा नाश्ता कहाँ है। वो बिल्कुल एक नॉर्मल सा डे था, लेकिन उस दिन में सब कुछ नॉर्मल नहीं था। मेरी बेटी को चेस्ट पेन हो रहा था। शायद मुझे समझ जाना चाहिए था कि एक अच्छा संकेत नहीं है, पर मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आखिर चेस्ट पेन का कारण क्या हो सकता है, इसीलिए मैंने उस टाइम पर उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मुझे याद है उस दिन रात में काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी, सड़क की विजिबिलिटी इतनी कम थी कि हॉस्पिटल जाते हुए मेरी गाड़ी 40 से ऊपर की स्पीड पर जा ही नहीं पा रही थी। गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील चलाते हुए मेरा हाथ कांप रहा था क्योंकि मुझे डर था कि मैं अपनी इकलौती बेटी को खो दूंगा, जैसे कि मैंने अपनी पत्नी को खोया था। याद है मुझे एक डर के साथ मैं हॉस्पिटल पहुंचा, और उसके बाद लगभग 1 घंटे वेटिंग रूम में बैठा रहा। उसके बाद जाकर डॉक्टर आए और उन्होंने मुझे बताया कि खैर अभी तो मेरी बेटी ठीक है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि वो हेल्थी है। डॉक्टर्स ने बताया कि मेरी बेटी का हार्ट और लंग्स दोनों ही फेल हो रहे हैं, और ये एक ऐसी सिचुएशन बिल्कुल भी नहीं है कि किसी दवाइयों से सुलझाई जा सके, बल्कि इसके लिए किसी डोनर की ज़रूरत होगी जो कि अपना दिल और कम से कम एक फेफड़ा देने के लिए तैयार हो जाए। उन्होंने डोनर लिस्ट में मेरे बेटी का नाम भी लिख दिया और कहा कि आप कुछ हफ्ते बाद आके पता कर लेना। लेकिन इनमें से एक चीज़ थी जिसे मैंने अनदेखा कर दिया, वो ये कि ये कितना ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि मेरी बेटी का ब्लड ग्रुप काफ़ी ज़्यादा रेयर था, और उसके लिए सूटेबल डोनर मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल। मैं लेकिन काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने लगा ये सोच के कि मेरी बेटी आखिर किस तरीके से ठीक होगी और उसे कोई डोनर कैसे मिल पाएगा। धीरे धीरे इस बात को 3 हफ्ते बीत गए और आखिरकार मेरी बेटी अब स्कूल जाना शुरू करने वाली थी। उस दिन मैंने अपने ऑफिस की छुट्टी ले ली थी क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि अगर स्कूल से मेरी बेटी के लिए कोई कॉल आए तो मैं शहर के किसी दूसरे हिस्से में हूँ। मेरी बेटी स्कूल गई हुई थी और मैं सोफा पर बैठा हुआ था कि तभी मुझे एकदम से एक अजीब सी महक आनी शुरू हो जाती है, ऐसी महक जो शायद
किसी जली हुई मछली में से आती है और थोड़ी अजीब सा धुआं मेरे आसपास आगे इकट्ठा होने लग गया था। मुझे एक अजीब सी फुसफुसाहट मेरे कानों में महसूस होने लगी और मुझे एकदम से आवाज़ आई कि मेरे घर के बाहर किसी ने एक लिफाफा गिराया है। मुझे पता है कि उस टाइम पर पक्का वहाँ पर कोई भी पोस्टमैन नहीं आया हुआ था, पर पता नहीं क्यों मेरी बॉडी को एकदम से एक अजीब ही तरह की वाइब्स आ रही थी। 5 मिनट बाद मैं घर के बाहर गया और मैंने उस एनवेलप को उठाया। मैंने देखा ना तो उस पर कोई रिटर्न एड्रेस था और ना ही कोई सेंडिंग एड्रेस, ना ही उस पर कोई स्टैम्प थी, वो ऊपर से बिल्कुल खाली था। मैं अपनी खिड़की के पास गया और आसपास देखने लगा, लेकिन मुझे कोई भी ऐसा नहीं दिखा जिसने वो वहाँ पे छोड़ा हो। बस यहीं से वो सब शुरू हो गया। जैसे ही मैंने वो लेटर खोला और उसे देखना शुरू करा, मेरे कान में बस ऐसे लगने लगा जैसे कोई तेज तेज आवाज़ में लगातार फुसफुसाया जा रहा हो। और जो उस लेटर पे लिखा था वो मुझे आज भी अच्छे से याद है। तुम्हारी एक बेटी है जिसे हार्ट और लंग्स की ज़रूरत है और अगर उसे ये नहीं मिले तो फिर वो मर जाएगी। हॉस्पिटल वाले कुछ नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हें उसका खून नहीं मिलेगा, लेकिन तुम उसकी जान अब भी बचा सकते हो। तुम्हारे पास एक मौका है, तुम्हें बस एक सौदा करना होगा। सौदा उसी की उम्र के एक बच्चे का, लेकिन शर्त यह है कि वो बच्चा जिंदा होना चाहिए। जैसे ही मैंने सारी लाइन्स पढ़ ली, मेरे कान में आने वाली फुसफुसाहट एकदम से बंद हो गई। मैं एकदम से सोचने लगा कि आखिर ये सब क्या था, क्या कोई मेरे साथ मजाक कर रहा था या फिर कुछ और। मेरी बेटी की हालत के बारे में किसे पता था। मेरे दिमाग में उन सभी लोगों के नाम आने लगे जिन पर मैं शक कर सकता था, लेकिन फिर भी मुझे ऐसे किसी भी बंदे का नाम नहीं आया दिमाग में जिसने ऐसा किया हो। लेकिन मैं इस बारे में सीरियस था और मैंने ये लेटर जाके पुलिस को दिखा दिया, लेकिन क्योंकि उस लेटर पे और कोई भी सबूत नहीं था जैसे कि एड्रेस वगैरह, तो पुलिस वालों ने भी यही कहा कि समाज में कुछ इस तरीके के तत्व होते हैं जो कि ऐसे लोगों को परेशान करने में मज़ा लेते हैं, आप बस अपनी सावधानी बरतिए और कुछ भी नहीं। उन्होंने तो काफ़ी आसानी से कह दिया कि इससे ज़्यादा कोई सोचने वाली बात नहीं है, लेकिन मेरे दिमाग में वो मैसेज लगातार घूमे जा रहा था। और ये मैसेज कोई आखिरी मैसेज नहीं था, बल्कि इसके बाद हर तीसरे या चौथे दिन मुझे एक लेटर मिलता बिल्कुल इसी तरीके से। और एक एक करके इन मैसेजेस में हर बार कुछ ना कुछ अजीब बात लिखी होती, लेकिन सबसे ज़्यादा डरावनी बात तो ये थी कि जब भी मैं वो मैसेज पढ़ता तो मेरे कान में एक अजीब सी फुसफुसाने की आवाज़ आने लगती। धीरे धीरे जैसे जैसे लेटर्स की संख्या बढ़ती जा रही थी, मेरे कान में आने वाली आवाज़ भी तेज़ होती जा रही थी। इसके बाद मुझे इतनी तेज़ सिर में दर्द होता कि मैं किसी भी तरीके से इस दर्द को कंट्रोल नहीं कर पाता। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे एकदम हैरानी में डाल दिया। एक दिन मैं उन्हीं में से एक लेटर पढ़ रहा था कि तभी मेरी बेटी पीछे से आ गई और उसने एक बहुत ही अजीब सवाल पूछा, आप ये अजीब सा पेपर पकड़े क्यों बैठे हो पापा? और उस समय मुझे इस बात का रियलाइज़ हुआ कि मेरे अलावा उस लेटर को कोई भी समझ नहीं सकता था। मेरी बेटी को उस लेटर पर सिर्फ कुछ डंडे दिखाई दे रहे थे। और ये बात समझते हुए मुझे भी देर नहीं लगी कि मुझे भी वो मैसेज सिर्फ इसलिए समझ में आ पा रहा था क्योंकि मेरे कान में वो खास तरह की आवाज़ गूंज रही थी। ये सब चीज़ें मुझे इतना समझाने के लिए काफ़ी थी कि ये किसी न किसी तरीके से काले जादू से रिलेटेड था। एक बात और, उन लेटर्स में हमेशा यही बात लिखी होती कि मेरी बेटी के मरने के चांस बहुत ज़्यादा हैं और धीरे धीरे वो मरने जा रही है। और अजीब बात तो ये थी कि मैं हमेशा कोशिश करता कि जो उन चिट्ठियों को वहाँ पे छोड़ के जाता मैं उसे पकड़ लूँ, लेकिन वहाँ पर मुझे कभी भी कोई नहीं दिखता। यहाँ तक कि एक हद तक तो मैं इसके लिए इतना ज़्यादा परेशान हो गया था कि मैंने अपने ऑफिस से 2 हफ्ते की छुट्टी ले ली ताकि मैं बस इंतज़ार कर सकूँ अगले लेटर का और ये देख सकूँ कि आखिर ये कौन भेज रहा है। एक बार तो मैं इसी वजह से अपने पोस्टमैन पे चिल्ला दिया और उससे ये सब बोलने लगा कि तुम ही हो मैं जानता हूँ, बल्कि मुझे पता था कि वो नहीं था। लेकिन उसके कुछ ही देर बाद
मुझे एक बार फिर से वो अजीब सी स्मेल आने लगी और मुझे पता था कि अब वो लेटर फिर से मुझे मिलने वाला है। लेकिन एक और बात, मैं खिड़की से बाहर ही देख रहा था और बाहर कोई भी नहीं आया था, लेकिन अगले ही पल उस जगह पर एक लेटर पड़ा हुआ था। ये देखकर एकदम से डर के मारे मैं पसीने से तर हो गया कि वहाँ पर कोई भी नहीं था। मैंने लेटर उठाया और चुपचाप अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। लेटर खोलते के साथ ही मेरे कान में फुसफुसाने की आवाज़ तेज होती चली गई और मैं समझने लगा उस लेटर को। आज से तुम्हारी बेटी की मौत की उल्टी घड़ी शुरू। बस इसके ठीक आधे घंटे बाद दोपहर 2:30 पर मुझे मेरी बेटी के स्कूल से एक कॉल आती है, ये कहते हुए कि मेरी बेटी को हॉस्पिटल ले जाया गया है और उसकी हालत काफ़ी ख़राब है। 4 बजे तक मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान था कि अगर उसे उसके ऑर्गन्स नहीं मिले तो वो एक बहुत ही बुरी तरीके से मारी जाएगी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या। रात के 8 बज रहे थे और मेरी बेटी अस्पताल में ही एडमिट थी और मैं उस समय एक बार में था। मैंने शराब पी रखी थी और मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रहा था कि आखिर मैं क्या करूँगा। मेरे दिमाग में लेकिन अभी भी यही सब बातें आ रही थी, ये जो कोई भी कर रहा है उसे मेरी बेटी के बारे में इतनी ज़्यादा जानकारी कैसे है और वो ये सब भविष्यवाणियाँ कैसे कर रहा है। उस रात लेकिन मेरे को कोई भी बुरा सपना नहीं आया, कोई नाइटमेयर नहीं, कोई विजन नहीं। मेरी आँखों के सामने सिर्फ एकदम अंधेरा था। अगले दिन मैं सुबह सुबह उठा और मुझे शायद अंदर से पता था कि आज मुझे क्या करना है। मुझे अपनी बेटी को ठीक करना था और मुझे पता था वो कैसे। मैंने एक गाड़ी को रेंट पे लिया और सुबह सुबह घर से बाहर निकल गया। मैं अपनी सिटी से बाहर एक दूसरी जगह पर गया और ढूंढने लगा अपने शिकार को। दोपहर के आसपास तक मुझे मेरा शिकार मिल गया था, यानी कि एक लड़का। एक लड़का जो कि लगभग मेरी बेटी की उम्र का ही था। एक सुनसान सी जगह पे था, घुंघराले से बाल, कंधे पर बैग और एक लगाया हुआ चश्मा। मुझे नहीं पता कि वो क्या कर रहा था या फिर वो कहाँ जा रहा था। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि वो कुछ भी कर रहा था, पर मुझे बस अभी ये दिख रहा था कि उसके सौदे के ज़रिए मैं अपनी बेटी को बचा सकता हूँ। मैं उसके पास गया और जितने ज़्यादा प्यार से हो सकता था उतने प्यार से उससे बोला, तुम्हारा बैग तो बहुत ज़्यादा भारी लगता है, लिफ्ट चाहिए क्या? जैसे ही मैंने उससे बोला वो एकदम से आगे की ओर भागने लगा। मुझे अब गुस्सा आने लगा, मैं अपनी गाड़ी में बैठा और उसका पीछा करने लगा। वो अपनी स्कूटी से अब मेरे आगे जा रहा था और अब हम लोग एक सुनसान से एरिया में आ गए थे। एकदम से मेरे दिमाग पे कोई पागलपन सा हावी हो गया और मैं पूरी स्पीड बढ़ाकर उसके पीछे जाने लगा। और एक पॉइंट ऐसा आया, जैसे ही मैं होश में आया मैंने पाया कि मैंने उसे अपनी गाड़ी से उड़ा दिया था। मैं देख पा रहा था कि मेरी गाड़ी के आगे वो पड़ा हुआ था और उसी पल एकदम से मुझे होश आया, ये मैंने क्या कर दिया, ये क्या हो गया। मैं एकदम से अपनी गाड़ी से उतरा और मैं ये देखकर एकदम हैरान हो गया। उसके दोनों हाथ पीछे की ओर मुड़ चुके थे, उसके मुंह से और न जाने पूरे शरीर में कहां कहां से खून बह जा रहा था। मैं एकदम से अपने मुंह पर हाथ रख लिया और सोचने लग गया, ये मैंने क्या कर डाला। मैं उसे देखकर बस ये सोच रहा था, क्या ये सही में जिंदा है? लेकिन हाँ, वो उस वक्त भी जिंदा था और उसे जिंदा देखते के साथ ही मेरे मन में उम्मीद आ गई, हाँ ये जिंदा है, यानी कि ये अब भी मेरे काम का है। मैंने फौरन जैसे तैसे करके उसे उठाया और अपनी गाड़ी के पीछे डिग्गी में डाल दिया। उस जगह से मैं और जल्दी निकल गया ताकि कोई भी मुझे नोटिस ना कर सके। लेकिन अब मैं ये सोच के परेशान था कि अब मैं उसे लेकर कहाँ जाता, क्योंकि कभी भी उन चिट्ठियों में किसी एड्रेस के बारे में नहीं लिखा था। 10 मिनट तक इधर से उधर घूमने के बाद मैं अपने घर की ओर बढ़ने लगा। इससे अच्छी जगह मेरे लिए और कोई नहीं हो सकती थी और अब मैं सच कहूँ तो काफ़ी ज़्यादा पागल सा हो गया था। मैं अपने घर गया और जैसे ही मैं अपने घर पर गया मैंने देखा मेरे घर के बाहर एक काले रंग का लिफाफा पड़ा हुआ था। उस लिफाफे को मैंने उठाया और पढ़ा तो इस बार
एक बार फिर से मेरे कान में अजीब सी फुसफुसाने की आवाज़ आई और ये आवाज़ इस बार मुझे बता के गई एक एड्रेस। उस एड्रेस को फौरन से मैंने अपने मोबाइल के GPS पे डाला और मुझे पता चला कि वो एड्रेस एक जंगल का था। पता नहीं क्यों, लेकिन उसके बाद का मुझे कुछ भी याद नहीं रहा। सिर्फ इतना याद है कि मैं अगले कुछ घंटों तक उस लोकेशन को ढूंढता रहा। मुझे याद है काफ़ी देर तक रोड पर जाने के बाद मैं एक कच्चे रास्ते पर काफ़ी देर तक अपनी गाड़ी को ले जाता रहा और तब जाकर मैं उस जगह पर शायद पहुंच गया था। लेकिन मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं किस जगह पर आया था। एकदम से एक अजीब सी जगह पर आकर मैं परेशान होने लगा। मेरा फ़ोन भी डेड हो चुका था, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि कहीं उस बच्चे को तो कुछ नहीं हुआ, बस वो ज़िंदा रहे। उस बच्चे को एक बार देखने के बाद मैं फिर से आगे की ओर बढ़ने लगा। अब मुझे अभी भी गिल्ट इसलिए नहीं हो रहा है कि मैंने उस बच्चे को क्या किया, गिल्ट इस बात का हो रहा है मैं उसे जहाँ पर छोड़ के आया। मेरे दिमाग का एक हिस्सा अब भी मुझसे यही कह रहा था कि इस सब को भूल जाओ कि मुझे कोई लेटर आया था, बस इस बच्चे को लेकर हॉस्पिटल चला जाऊं और उसकी मदद कर दूं। लेकिन नहीं, अगर ऐसा मैंने कर दिया तो मेरी बेटी ठीक उसी तरह से मर जाएगी जैसे कि मेरी वाइफ मर गई थी। मेरे दिमाग में यही सब ख्याल आ ही रहे थे कि एकदम से मैंने देखा कि मेरे सामने अब रोड नहीं था, बल्कि अब मैं न जाने किस जगह पर आ गया था। ऐसा लग रहा था कि मैं एकदम से अनोखी जगह पर ही आ गया हूँ। यहाँ तक कि मेरी गाड़ी खुद से रुक गई। उसके बाद मैंने उसे फिर से स्टार्ट करने की कोशिश करी तो मानो वो खुद से चालू होना ही नहीं चाहती थी। मेरी गाड़ी एकदम से बंद हो गई थी और वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी। और तब मैंने महसूस करा वही हल्का हल्का धुआं और वही वो महक एक बार फिर से धीरे धीरे मुझे चारों ओर से घेरने लगी। लेकिन इस बार वो धुआं इतना ज़्यादा हो गया था कि मुझे खांसी भी होने लगी और मैं जोर जोर से खांसने लगा। मैंने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और गाड़ी से बाहर निकल गया, ये सोच के कि शायद बाहर मुझे ताज़ी हवा मिलेगी। कुछ देर तक खांसने के बाद जब मैंने खुद को एडजस्ट करा तो देखा मैं एकदम अलग जगह पे हूँ और मेरे सामने कोई खड़ा हुआ है। जब मेरी नज़र सामने गई तो मेरे होश उड़े के उड़े रह गए और मुझे लगा कि शायद मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैंने देखा एक बड़ा सा काला साया अपने हाथ में एक लालटेन लिए मेरे सामने खड़ा था। उसका कुछ भी हिस्सा मुझे नहीं दिख पा रहा था, सिर्फ एक काले साये की जगह। एकदम से मेरे कानों में आवाज आने लगी एक दिशा की ओर। धीरे धीरे वो साया एक तरफ को आगे की ओर बढ़ने लगा और शायद मुझे पता था कि मुझे उसके पीछे पीछे जाना है। जैसे जैसे मैं उस काले से साये के पीछे पीछे चलने लगता, मुझे एकदम से काफ़ी ज़्यादा कभी तेज़ हवा तो कभी धीमी हवा, कभी तेज़ रोशनी तो कभी कम रोशनी मेरे आगे से आती। मैं देख रहा था मेरे नीचे की ज़मीन धीरे धीरे मैदानी से चलते चलते अब एकदम चट्टानी सी हो गई थी। अब मैं जैसे जैसे उस साये के पीछे जा रहा था तब मेरी नज़र पड़नी शुरू हुई ज़मीन पर पड़े हुए कपड़ों पर, कपड़े जो कि बच्चों के दिख रहे थे। मेरे मन में एक बहुत ही भयानक सा डर था, लेकिन मन में एक अजीब सी जिज्ञासा थी जिसकी वजह से मैं अभी भी आगे बढ़ता जा रहा था। और कुछ और आगे बढ़ने के बाद मुझे पता लगा कि आखिर वो कपड़े आ कहाँ से रहे थे। जब मैं और आगे गया तो मैंने देखा कि सामने एक साया मुझे दिखाई दे रहा था और वो और कोई नहीं बल्कि एक लड़की थी। मैंने उससे बोलने की कोशिश करी लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैं उसके सामने गया और मैंने देखा कि उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी थी जिसे वो धीरे धीरे झुला रही थी। मुझे नहीं पता कि वो क्या कर रही थी। मैं बहुत ज़्यादा डर रहा था उससे। अब उसकी आंखें एकदम से लाल हो रखी थी। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। उसकी उम्र लगभग 14 से 15 साल की ही रही होगी। मैंने उसे छूने की भी कोशिश करी लेकिन वो एकदम गर्म थी। गर्म ऐसे नहीं जैसे कि हम लोग बुखार में होते हैं, गर्म बिल्कुल उस तरीके की जैसे आग होती है जो कि हमें ही जला दे। मैं चुपचाप उस साय के पीछे और आगे बढ़ने लगा और तब मैंने देखा कि आगे एक नहीं
कई सारे बच्चे थे ठीक उसी हालत में जैसे वो लड़की थी। और अब तो वो बच्चे ही नहीं बल्कि उनके शरीर के अंग भी अजीब अजीब तरह के थे। धीरे धीरे जब मैं आगे गया तो मैंने देखा किसी बच्चे के हाथ नहीं थे तो किसी बच्चे के पैर नहीं थे। मैंने एक लड़की को देखा जिसके दिल की जगह पे सिर्फ एक गड्ढा था और वो उसके बाद भी मेरे सामने खड़ी थी, हिलडुल रही थी। मैं इतना सारा डर रहा था कि मैं आपको बता भी नहीं सकता वो खौफनाक मंजर शायद ही आप सोच सको। धीरे धीरे वो साया आगे बढ़ रहा था और अब मैंने देखा उस लड़के को जिसे मैं अपने साथ वहाँ पे लाया था। वो लड़का न जाने कैसे अब एकदम ठीक था और भाग रहा था उस चीज से जो कि उस जगह पर शायद राज कर रही थी। शायद वो थी 5-6 औरतें, बिल्कुल काली औरतें, एकदम अजीब सी। न जाने क्यों मुझे अंदर से पता था कि वो औरतें उस बच्चे को आराम से पकड़ लेंगी। एकदम से भागते भागते ही वो लड़का गिर गया और उसका सर बीच में से ही फट गया और लगातार उसमें से खून बहने लगा। एकदम से मैं एक जगह पर आ गया जहाँ पर मेरे चारों ओर एक गोल घेरा था और उसके बीच में वो लड़के की लाश थी। मेरा एक मन तो कह रहा था कि मैं उस वहाँ से भाग जाऊँ और बस कैसे भी करके वहाँ से निकलूँ। मैं न जाने किस जगह पर आ गया था लेकिन मेरा एक मन अब भी वहीं पर था क्योंकि शायद मैं उस सौदे को करना चाहता था। मैं अपनी बेटी को बचाना चाहता था। अब मैंने नोटिस करा कि मेरे आसपास का वातावरण एकदम से और ज़्यादा खतरनाक हो रहा था जिससे मुझे इस बात का अंदेशा हो रहा था कि सूरज शायद ढलने वाला था। जैसे ही मैंने अपनी पलकें झपकी मैं एक बार फिर से उस लालटेन वाले बंदे के पीछे जा रहा था। अब मैं एक ऐसी जगह पर आ गया था जो कि शायद गुफा जैसी लग रही थी और उसमें चारों ओर सिर्फ आत्माएं ही आत्माएं कैद थी जो कि बहुत बुरी तरीके से चिल्ला रही थी। बस इसके बाद जितना मुझे याद है एकदम से मेरे सामने एक कूलर आ गया, कूलर जिसके अंदर बर्फ रखी रहती है। जब मैंने उसे खोल के देखा तो मैंने पाया कि उसके अंदर एक हार्ट और दो लंग्स पड़े हुए थे जैसे कि हमारी डील हुई थी। मुझे नहीं पता था कि मैं वहाँ से कैसे जाने वाला था लेकिन एकदम से मेरे मन में आया बस मुझे यहाँ से अब जाना है। मैंने उस लालटेन वाले या फिर किसी भी वहाँ मौजूद चीज़ से कुछ नहीं कहा, मैं बस उल्टा होकर वापस आने लगा। मैं बस जैसे ही चलना शुरू करा एकदम से मेरी आंखें बंद हो गई। अगली बार जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने घर पर था, अपने बेड पर। मैंने उठ के देखा तो मेरे साइड में ही वो छोटा सा कूलर रखा हुआ था जिसके अंदर लंग्स और हार्ट थे। मैं फौरन से नीचे गया और उन सारे लेटर्स को फिर से देखने लगा लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि अब मैं उन लेटर्स को अब नहीं सुन पा रहा था। अब मुझे भी उनमें सिर्फ उल्टे सीधे अक्षर दिखाई दे रहे थे। मैं सोचने लगा कि आखिर ये सब क्या हो रहा है लेकिन मैं फिर से गया और मैंने उन लेटर्स को उठाया और गार्डन में ले आके उनमें आग लगा दी। सुबह तक मैंने सारे लेटर्स जला दिए थे। हैरानी की बात थी कि जिस जगह से मैंने गाड़ी को रेंट पे लिया था वो गाड़ी भी खुद ब खुद उस जगह पर वापस पहुंच गई थी। मुझे नहीं पता था ये सब कैसे हुआ था। जो ऑर्गन्स मैं अपनी बेटी के लिए लाया था अगले दिन सुबह होते के साथ ही मैं हॉस्पिटल ले गया और मेरी बेटी का ऑपरेशन बिल्कुल अच्छे से हो गया। इसके बाद मेरी बेटी एकदम ठीक हो गई। मेरे पास जो मैंने अपनी पूरी ये घटना बताई इसका कोई भी सबूत नहीं है लेकिन चीज़ें भयानक होना शुरू हुई इस सब के बाद। सर्जरी को अच्छे खासा टाइम बीत गया था, मेरी बेटी बिल्कुल ठीक थी अब और वो स्कूल भी जा रही थी। मैंने भी अब वापस से ऑफिस जाना शुरू कर दिया था लेकिन मुझे उस भयानक जगह के नाइटमेयर्स आज भी आते थे। मुझे पता था कि मैंने उस बच्चे का सौदा जिस जगह पर करा था वहाँ पर उसकी रूह कैद हो गई है और न जाने उसके साथ वहाँ पर क्या क्या हो रहा होगा। लेकिन कहते हैं ना, कर्म का फल सबको मिलता है और इसी जन्म में मिलता है। जिसने भी ये कहावत कही थी बिल्कुल सही, क्योंकि कल शाम को मेरे ऊपर मेरा कर्मा वापस लौट के आ गया। मैं जब घर आया तो मैंने पाया कि मेरी बेटी घर पे नहीं थी और मेरे घर के दरवाजे पर एक लिफाफा पड़ा हुआ था। जब मैंने उसे उठाया तो उस पे लिखा था, मुझे माफ़ करना। मैं एकदम से सोचने लगा कि ये सब क्या हो रहा है
मेरी बेटी उस शाम घर नहीं लौटी। उसके बाद से ही शायद मुझे पता था कि क्या होने वाला है, इसीलिए अब मैं ये सब लिख रहा हूँ। मुझे नहीं पता ये मेरा कन्फेशन है या फिर मेरा सुसाइड नोट, क्योंकि अगर मेरी बेटी अब उस जगह पर है, उस मौत के जहन्नुम में, तो मैं सुसाइड करने वाला हूँ। लेकिन मेरे कान में अब एक बार फिर से एक आवाज़ गूंज रही है, एक आवाज़ जो कि मुझसे कह रही है कि वो मेरी बेटी को एकदम सुरक्षित रखेंगे, मैं अपनी बेटी को अभी बचा सकता हूँ, वो मुझे एकदम अच्छी हालत में वापस मिल जाएगी। लेकिन मुझे उसके बदले में फिर से करने पड़ेंगे कुछ सौदे। ये घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये मेरे कज़न के साथ घटी थी। ये एक जगह के बारे में है जिसका नाम है कसारा घाट। कसारा घाट महाराष्ट्र में पड़ता है। बेसिकली ये एक बड़ी सी खाई टाइप की जगह है जहाँ पे साइड में रास्ता जा रहा है, और ये जगह फेमस भी अपने अर्ली 70s से लेकर 90s तक के एक्सीडेंट्स की वजह से हुई है। ऐसा होना भी एकदम लाजमी है क्योंकि उस जगह पर जो रोड हैं वो ज़्यादा चौड़े नहीं हैं। कहते हैं कि वहाँ पर दो गाड़ियाँ साइड बाय साइड एक साथ नहीं चल सकती, एक गाड़ी को हमेशा पीछे रहना ही पड़ेगा, और अगर किसी ने किसी मोड़ पर थोड़ी सी भी स्पीड बढ़ाई तो वो खाई में गिर सकता है। इस जगह के फेमस होने का कारण एक और है, क्योंकि ये रास्ता जाता है सीधा साईं बाबा की ओर, जिसे हम लोग शिरडी वाले साईं बाबा के मंदिर के नाम से भी जानते हैं। पूरे इंडिया से हजारों लाखों लोग हर रोज उस जगह पर जाते हैं, जिसके कारण कई बार कई लोगों के साथ कई सारी अप्रिय घटनाएं भी हो जाती हैं। खैर, अब मैं उस इंसिडेंट पे आता हूँ जो कि मेरे कज़न के साथ हुआ था। तो हुआ यूँ था कि उस समय पर उसने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर साईं बाबा के मंदिर जाने का फैसला करा था। अब जो लोग वहाँ पर गए हुए हैं उन्हें पता होगा कि वहाँ पर पहली आरती सुबह के 4 बजे होती है, और मेरा दोस्त उस आरती को अटेंड करना चाहता था, इसीलिए वो पिछली रात में रात 11 बजे ही अपने घर से निकल गया था। उन्हें कार से पूरी रात ट्रैवल करना था। इसी बीच रात के तकरीबन 1 बजे के आसपास वो लोग कसारा घाट से गुजर रहे थे। अब उस जगह की एक दिक्कत और ये भी थी कि उस जगह पे ज़्यादा स्ट्रीट लाइट्स नहीं थी, उनके पास रोशनी थी थोड़ी बहुत चांद की और बाकी उनकी कार की हेडलाइट की। मेरा जो कज़न था वो अभी गाड़ी चला रहा था, बाकी पीछे उसके दो दोस्त बैठे हुए थे जिनमें से एक अपने फ़ोन पे बात कर रहा था और एक शायद बाहर के नज़ारे देख रहा था। अब वो लोग आगे चलते ही जा रहे थे कि तभी तो जो मेरे भाई का दोस्त पीछे बैठा था उसे एक अजीब सी चीज़ दिखाई दी। उसने देखा कि रोड के साइड में उसने शायद किसी ऐसे को बैठा हुआ देखा जिसकी गर्दन नहीं थी। अब ये बात एकदम बेतुकी लगती है और काफ़ी ज़्यादा हैरान कर देने वाली भी, और बिल्कुल ऐसी बात जो कि बेढंगी हो और जिस पर कोई भी यकीन ना कर सके। हुआ भी कुछ ऐसा ही। अब वो तो थोड़ा सा सरप्राइज हो गया था, इसीलिए उसने ये बात फौरन ही मेरे भाई को बता दी। पर मेरे भाई ने यही कहा, हम लोग मंदिर जा रहे हैं, शुभ शुभ बोला कर, और इस समय रात में ऐसी बातें मत कर, ये सब बातें ऐसे करना ठीक नहीं होता। यही बात उनका दूसरा साथी भी उनसे कहता है। इसी वजह से जिसने वो चीज़ देखी थी वो एकदम चुप हो जाता है और पीछे बैठकर ही वो चुपचाप हनुमान चालीसा अपने उन्हें पढ़ने लगता है। लेकिन इसके बाद जो मेरे भाई ने देखा, शायद इस बात पर आप लोग भी यकीन करो, पहली वाली घटना के बाद वो लगातार आगे बढ़ता रहता है। अब वो लोग थोड़ा ही आगे आए होंगे कि उनकी गाड़ी के पीछे एक बाइक आने लगती है, और वो बाइक वाला बहुत तेज तेज हॉर्न मारने लगता है। मेरा भाई पहले तो इस बात पर ध्यान नहीं देता, लेकिन बाद में उसे फिर से हैरानी होती है क्योंकि वो बंदा हॉर्न मारे ही जा रहा था। मेरा भाई ये सोचने लगा कि इतने पतले रोड पर भी, जिस पर उनको ओवरटेक कर पाना काफ़ी मुश्किल है, वो बाइक वाला फिर भी लगातार हॉर्न मारे जा रहा है। इसीलिए एक बार फिर से मेरे भाई ने इस बात को जाने दिया और इस बात पर ध्यान ना देने की कोशिश करी, और फिर से अपना ध्यान दूसरी ओर केंद्रित करने लगा। लेकिन काफ़ी देर तक वो बंदा अब भी लगातार हॉर्न मारे जा रहा था, और इस बार मेरे भाई को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया और उसने गाड़ी को धीमा कर लिया, ये सोच के कि अब वो बंदा जब साइड से निकलेगा तो वो उसे अच्छे से सुना देगा।
यही सोचकर मेरे भाई ने गाड़ी को धीमी करते हुए एक साइड में ले आकर रोक दिया। लेकिन उसके बाद जब उसने गाड़ी की खिड़की से बाहर देखा तो उसने जो देखा उसे देखकर मानो उसका खून जम गया। उसने देखा कि कंधे के ऊपर वो जो बंदा गाड़ी चला रहा था उसके कोई सिर ही नहीं था, लेकिन फिर भी वो गाड़ी को इस तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा था जैसे वो कोई प्रोफेशनल हो। एक पल के लिए तो मेरे भाई को बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। वो एकदम से सकपकाया हुआ सा अपनी गाड़ी के शीशे को पीटने लगा और इसी वजह से बाकी के दोनों दोस्तों ने भी बाहर देखना शुरू करा। और जब उन दोनों ने बाहर देखा तो उन दोनों की भी हालत खराब हो गई। लेकिन सबसे ज़्यादा डरावनी बात तो अभी इन लोगों के साथ होनी बाकी थी। उन्होंने देखा अब वो जिस जगह पर रुके थे उसके थोड़े ही आगे एक मोड़ था। अभी तो वो उस बिना सर वाले आदमी को देख कर डरे ही हुए थे कि एकदम से वो देखते हैं कि आगे उस मोड़ पे जाके वो बाइक सीधा खाई में चली जाती है। ये देखकर उन तीनों को एक बार फिर से होश उड़ गए। मेरे भाई का एक साथी फौरन भागकर उस जगह पर जाता है और जब वो नीचे देखता है तो उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि अब उस जगह पर कोई भी नहीं था और ऐसा कोई नामोनिशान भी नहीं था कि वहां से कोई नीचे गिरा होगा। अब इन तीनों को समझ में आ गया था कि यहाँ पर कुछ तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ थी। इसीलिए वो तीनों ही अपने मन में भगवान को याद करने लगते हैं और उस जगह से निकलने लगते हैं। भगवान का नाम लेकर वो शिरडी पहुँच जाते हैं और उसके बाद वहाँ पहुँचने के बाद वहीं के एक बूढ़े आदमी को अपने साथ हुई इस घटना के बारे में बताते हैं। और उसके बाद उस आदमी का ये कहना था कि 3 या 4 साल पहले की बात है, एक बाइकर एक ट्रक से टकरा कर मारा गया था। सुनने में आया था कि शायद उसकी गर्दन कट गई थी और उसके बाद से वही बाइकर कई लोगों को उस जगह पर दिख चुका है। और इससे रिलेटेड एक बहुत मज़ेदार अर्बन लेजेंड ये है कि ये लोग कहते हैं कि अगर आपने उसको अपने आप को ओवरटेक करने नहीं दिया तो आपके साथ भी कोई बुरी दुर्घटना हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की पहली कहानी। अब हम बढ़ते हैं आज की अपनी अगली कहानी की ओर। मुकेश रोज आशीष को बाइक से स्कूल छोड़ने जाता था। आशीष मुकेश का छोटा भाई है और वो 5th क्लास में पढ़ता है। उनका घर स्कूल से लगभग 5 किलोमीटर दूर है। मुकेश की उम्र लगभग 17 साल है और वो 12th क्लास का स्टूडेंट है। मुकेश और आशीष दोनों भाई होने के साथ साथ बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। दोनों बाइक पर साथ जाते मुकेश पहले आशीष को छोड़कर अपने स्कूल चला जाता था। मुकेश जिस रास्ते से गुजरता था उस रास्ते में एक पुरानी बंद पड़ी हवेली थी। मुकेश की अभी तक एक भी गर्लफ्रेंड नहीं थी। दिखने में वैसे वो था हैंडसम पर बोलता बहुत कम था। लड़कियों के साथ बोलने में तो वो बहुत ज़्यादा शर्माता था। शायद इसीलिए आज तक उसकी कोई दोस्त नहीं थी, पर पढ़ने में वो होशियार था। टीचर्स हमेशा ही उससे खुश रहते थे। आज भी वो आशीष को छोड़कर अपने स्कूल की ओर जा रहा था। वो उस पुरानी हवेली के पास से गुजर रहा था कि तभी एक लाल रंग का दुपट्टा उड़ता हुआ आया और उसके मुंह पर गिरा, जिससे कि उसका पूरा मुंह ढक गया। मुकेश ने जल्दी से ब्रेक लगाए और वो तो उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ। मुकेश बाइक से उतरकर इधर उधर ताकने लगा पर उसे वहां कोई नहीं दिखा। वो जगह एकदम सुनसान थी। वहां आसपास उस पुरानी हवेली के अलावा कुछ नहीं था। उस दुपट्टे से मंत्रमुग्ध कर देने वाली अजीब सी स्मेल आ रही थी। मुकेश ने उस दुपट्टे को अपने बैग में रखा और स्कूल की ओर चल दिया। क्लास में जैसे ही उसने बुक निकाली वो स्मेल पूरी क्लास में फैल गई। सब सोच रहे थे कितनी अच्छी स्मेल कहां से आ रही है। खैर, मुकेश ने ये बात किसी को नहीं बताई। शाम को जब वो वहां से गुजरा तो एक बार और वहां रुककर इधर उधर देखने लगा, पर वहां उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। फिर वो आशीष को लेकर घर चल दिया। जैसे ही मुकेश चलने लगा आशीष ने पूछा, भैया ये इतनी अच्छी स्मेल कहां से आ रही है। मुकेश ने बहाना बनाकर कहा, वो मैंने आज अच्छी गंद वाली सुपारी खाई है ना, इसलिए। भैया एक मुझे भी दो ना। भाई अभी नहीं है मेरे पास, कल लाके दे दूंगा। ठीक है ओके। उस रात को मुकेश को नींद नहीं आ रही थी। उसे तो बस
अब उस लाल दुपट्टे वाली लड़की को देखना था। वो पूरी रात उसी के बारे में सोचता रहा और उस दुपट्टे को देखता रहा। दूसरे दिन फिर जब वो आशीष को स्कूल छोड़कर अपने स्कूल गया और वहां जाकर जहां वो दुपट्टा उसके ऊपर गिरा था वहीं रुककर इधर उधर देखने लगा, पर वहां उसे कोई नहीं दिखाई दिया। उसने फिर सोचा आखिर दुपट्टा वहां आया कहां से। फिर उसने सोचा कहीं ये दुपट्टा उस हवेली से तो नहीं आया था, पर छोड़ो उस हवेली में तो मैं कभी नहीं जाने वाला। लोगों का मानना है कि उस हवेली में आत्माएं रहती हैं। यही सोचता हुआ वह स्कूल पहुंच गया। उसे परेशान देखकर उसके एक दोस्त ने पूछा, यार मुकेश क्या हुआ, परेशान लग रहा है। नहीं यार कुछ नहीं, बस ऐसे ही। स्कूल की छुट्टी होने के बाद वह आशीष को लेने चला। आशीष पहले से ही तैयार खड़ा था। दोनों भाई बाइक पर बैठकर घर आ गए। आशीष ने कहा, भैया आप मेरे लिए वो सुगंध वाली चॉकलेट लेकर आए हो ना। हाँ ये लो मुकेश लो। आशीष की ओर वो कुछ चॉकलेट बढ़ाते हुए कहा, भैया इनमें तो उसमें लाई नहीं रही। यार वो चॉकलेट है ना वो पहले बिक गई थी इसलिए नहीं लाया। मुकेश अब उस लाल दुपट्टे वाली लड़की को पसंद करने लगा था। वो हमेशा सोचता रहता वो कौन थी और कहाँ की थी, उसके बारे में उसे कुछ नहीं पता था। लेकिन ये सब सिर्फ पागलपन था। कुछ दिन तक तो सब यूं ही चलता रहा, पर एक दिन मुकेश आशीष को छोड़कर उसी रास्ते से जा रहा था कि तभी अचानक वैसा ही एक और लाल दुपट्टा सीधा उड़ता हुआ उसके ऊपर आके गिर गया। इस दुपट्टे में से भी वही स्मेल आ रही थी। बाइक ज्यादा तेज होने के कारण सुभाष को उसे संभालने में थोड़ी मुश्किल हुई, पर जल्दी ही वो रुक गई। वो जल्दी से उतरा और इधर उधर देखने लगा, पर उसे वहां कोई नहीं दिखा। तभी उसे उस पुरानी हवेली की तरफ देखा और उसे उस हवेली की खिड़की में एक सुंदर सी लाल कपड़ों वाली लड़की झांक रही थी। वो लड़की सुभाष की ओर इशारा कर रही थी कि यह दुपट्टा उसका है। सुभाष कुछ देर सोचने के बाद उस हवेली की ओर चला गया। उस हवेली के गेट खुले थे और वो जैसे ही अंदर गया वहां पर वही स्मेल आ रही थी जो कि उस दुपट्टे से आ रही थी। वो जैसे ही थोड़ा अंदर गया तो अंदर दरवाजे में एक सुंदर लड़की खड़ी थी जिसकी उम्र लगभग उसी के बराबर होगी। सुभाष तो उसे देखता ही रह गया। इससे पहले कि सुभाष कुछ कहता वो बोली, शुक्र है आप ठीक तो हो ना, आपको चोट तो नहीं लगी। मैं बिल्कुल सेफ हूँ, सुभाष ने कहा। आप यहाँ रहते हो? हाँ मैं यहीं रहती हूँ। अकेले ही रहते हो क्या आप? नहीं मेरे मम्मी पापा और एक भाई है। पर आप अंदर आओ, बाहर क्यों खड़े हो? आओ मैं आपको सभी से मिलवाती हूँ। माफ़ कीजिए मैं अभी नहीं आ सकता, मेरे स्कूल का टाइम हो गया है, पर मैं शाम को आ जाऊँगा। ये लो आपका दुपट्टा, सुभाष ने उसे वो दुपट्टा देते हुए कहा। ठीक है आप शाम को आ जाना। ठीक है। इतना कहकर मुकेश अपने स्कूल की ओर चल देता है। अब वो बहुत ही खुश रहने लगा था। शाम को स्कूल से छुट्टी होते ही वो सीधा उस हवेली की ओर चला जाता है। वो लड़की उस हवेली के गेट पर बैठी सुभाष का इंतजार कर रही थी। सुभाष को देखकर वो खुश हो जाती है। वो सुभाष को अंदर एक बड़े से हॉल में लेकर जाती है जहां उसके मम्मी पापा और उसका भाई बैठे थे। सुभाष उसके मम्मी पापा को प्रणाम करता है और बैठ जाता है। अंकल आप यहाँ कब से रहते हैं? बेटा हम तो यहाँ बचपन से रहते हैं, हमारी शादी भी यहीं हुई है। तुम चाय पीते हो? हाँ अंकल पीता हूँ। रश्मि बेटा आप सुभाष के लिए कप चाय बनाकर लाओ। आपके घर में और कौन कौन है? उसके पापा सुभाष से पूछते हैं, मैं, मेरा छोटा भाई, मम्मी पापा। और तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 12th में। तभी सुभाष एकदम से पूछता है, आप रश्मि को स्कूल क्यों नहीं भेजते? वो बस यूं ही, वो खुद नहीं जाना चाहती। लो चाय पियो। इसके बाद थोड़ी उन दोनों के बीच में और बातचीत होती है और उसके बाद सुभाष कहता है, ठीक है अब मेरे जाने का समय हो गया है। उसके बाद सुभाष आशीष के स्कूल की ओर चल देता है। आशीष वहां पे उसका इंतजार कर रहा था और उससे कहता है, भैया आज आपने बहुत देर लगा दी, कहाँ रह गए थे? वो मेरे सर ने मुझे रोक लिया था, कोई ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देनी थी। चलो भैया आप घर चलो, बहुत भूख लगी है। अगले दो दिन सुभाष की छुट्टी थी।
इसीलिए वो थोड़ा परेशान सा था। लेकिन अगले दिन अपने दोस्त के पास जाने का बहाना करके वो रश्मि से मिलने चला गया। इसके बाद से धीरे धीरे सुभाष का उस घर में आना जाना लगातार चलता रहा। लेकिन इस बात को हर रोज दूर से एक आदमी नोटिस करता था और पहले तो उसे ये बात बहुत अजीब लगती थी। लेकिन कई दिनों तक जब वो इस बात को लगातार देखता रहा तो उससे रहा नहीं गया और आखिरकार वो एक दिन सुभाष के पास आके उससे पूछता है, तुम यहाँ रोज क्या करने आते हो? तो सुभाष कहता है, मैं यहाँ रहने वालों को जानता हूँ और उन्हीं से मिलने रोज इस जगह पर आता हूँ। लेकिन इसके बाद वो आदमी जो उसे जवाब देता है उसे सुनकर सुभाष के होश उड़ जाते हैं। वो आदमी उसे बताता है, जिस घर की तुम बात कर रहे हो वो घर पिछले 15 सालों से खाली पड़ा हुआ है, लेकिन मैं पिछले 7-8 दिन से लगातार देख रहा था कि तुम रोज आते हो और खुद ही उस घर के पास खड़े होकर खुद में बड़बड़ाने लगते हो और फिर अंदर चले जाते हो। जरा ध्यान से उस घर को देखो, उसके अंदर सिर्फ मकड़ी के जाले हैं और गंदगी है और कुछ भी नहीं। सुभाष को इन सब बातों से यकीन नहीं होता है और फिर वो एक बार फिर से आंखें मलकर वहां वापस जाता है और तब वो फिर से जब देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। सुभाष को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि पिछले कुछ दिनों से जो जिंदगी वो जी रहा था वो एकदम झूठ थी और इससे ही बढ़कर वो इतने दिनों से जिन लोगों को देख रहा था वो सब के सब सिर्फ आत्माएं थी। सुभाष इस बात को झेल नहीं पाता और आखिर में वो पागल हो जाता है। उसके घर वाले उसे लेकर हर जगह जाते हैं, हॉस्पिटल या मंदिर, लेकिन कहीं पर भी उसका इलाज नहीं हो पाता और आखिर में सुभाष का अंत एक पागलखाने में जाकर ही होता है। अब हम बढ़ते हैं आज की अपनी आखिरी कहानी की ओर। सुबह के 7 बज रहे थे। हेलो पुलिस स्टेशन, सिटी हॉस्पिटल में एक लाश पड़ी है। हेलो कौन बोल रहा है? इतनी आवाज आने के बाद उधर से फोन कट जाता है। पुलिस उस जगह पहुंचती है और सचमुच की लाश उस जगह पर औंधे मुंह पड़ी हुई थी। शायद लाश वो एक वार्ड बॉय की थी। अबे पता था ना, रात में हॉस्पिटल में जाना मतलब मौत को मुंह लगाना, बेमौत मर गया ना, हवलदार ने लाश का मुआयना करते हुए कुटिल अंदाज में कहा। वही तरीका, गर्दन पर दांतों के गड़ने के निशान ना तो इंसान के थे ना ही जानवर के, और कोई सबूत भी नहीं, इंस्पेक्टर ने कहा और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शहर के अस्पतालों में ऐसी घटनाएं अक्सर देखी जाने लगी थी, इसीलिए रात को अस्पतालों में शमशानों की भांति सन्नाटा बिखरा रहता और उन अस्पतालों में घूमता वो रक्त पिशाच अपने शिकार के लिए, जिसे आधुनिक सभ्यता के लोग वैम्पायर कहते हैं। इस सब की शुरुआत हुई थी शहर के रेप्यूटेड और जाने माने डॉक्टर रस्तोगी की मौत के बाद। उनकी लाश भी उनके कैबिन में पड़ी मिली थी, गर्दन पर वैम्पायर के गढ़े दांतों के निशान के साथ। पलक, मुझे जाना ही होगा हॉस्पिटल, इमरजेंसी है। लेकिन वो रक्त पिशाच नहीं, आप कहीं नहीं जा रहे हो, समझ गए? पलक अपने डॉक्टर पति को समझा रही थी। देखो, मौत से बचना हमारे हाथ में नहीं, अगर किसी की जान बचाते हुए खुद की जान चली जाए तो भी मैं अपना फर्ज निभाऊंगा। मुझे ऐसी हालत में छोड़ के आप जा सकते हो, पर क्या अपने होने वाले बच्चे को भी? अगर जाना इतना ही जरूरी है तो मैं भी आपके साथ ही चलूंगी। डॉक्टर सुकेश काफी देर तक सोचते रहे और उसके बाद पलक को अपने साथ लेकर वहां पे हॉस्पिटल चलने लगे। गेट पर गार्ड भी नहीं था और गेट खुला हुआ था। सुकेश ने गाड़ी को पार्क किया और पलक को पकड़ते हुए अंदर आ गया। अंदर अंधेरा था। सुकेश ने आवाज लगाई, कोई है? मुझे कॉल आया, इमरजेंसी केस है। तभी अंधेरे से ही आवाज आई, 2nd फ्लोर पर वार्ड नंबर 2 में पेशेंट है, चोट लगी है सर, खून काफी बह गया है। अरे तो उसे नीचे ही रखना था ना, ऊपर क्यों लेके गए?
कहता हुआ सुकेश ऊपर की ओर जाने लगा और जब वो ऊपर पहुंचा तो उसने देखा एक आदमी बेड पर लेटा था और पूरी बेडशीट खून से लाल हो गई थी। शायद पेट फट गया था उसका। सुकेश सोचता हुआ जैसे ही उसके पास गया उस आदमी ने अपनी आंखें खोल दी और उसके चेहरे पर दरारें पड़ने लगी, उनसे खून की धारा निकलने लगी। हाथ पैर पर जानवरों की तरह बाल उगाए, नाखून मोटे लंबे और काले हो गए और उसके बाद उसके मुंह से दो दांत बाहर को निकल आए। वो था एक वैम्पायर जो कि तुरंत ही सुकेश पर झपटा, लेकिन इतने में वो पीछे हट गया। लेकिन फिर भी वो उसके धक्के से खुद को नहीं बचा पाया और दीवार से टकराकर वहीं पर बेहोश हो गया। ऊपर काफी देर से खटपट की आवाज आ रही थी और सुकेश का भी कुछ पता नहीं चल रहा था, तो पलक अब ऊपर आई। रक्त पिशाच बस सुकेश को झकड़ने ही वाला था कि एकदम से पलक चिल्लाई और चीख सुनकर उस रक्त पिशाच ने सुकेश को छोड़ दिया और वो पलक की ओर आगे बढ़ने लगा। पलक अपने पेट पर हाथ रखकर पीछे की ओर हटने लगी और जैसे जैसे वो पिशाच पलक की ओर बढ़ता जा रहा था उसका विभत्स रूप इंसानी रूप ले रहा था। जब वो ज्यादा निकट आ गया तो हल्की रोशनी में उसका चेहरा दिखाई दिया। पलक के मुंह से एकदम से निकला, जीवन तुम पिशाच कब और कैसे बन गए? हाँ, वो जीवन ही था, पलक का पहला क्रश, लेकिन वो उससे कभी कह नहीं पाई। इधर जीवन की आंखों के सामने पलक का चेहरा तैर गया। दोनों एक दूसरे को पसंद तो करते थे लेकिन दोनों अपनी अपनी सीमाओं में बंधे थे। पलक अपनी स्त्री सीमा में तो जीवन गरीबी की खाई के उस पार था जिसे वो कभी भी पार नहीं कर सका, और आज जब वो मिले तो ऐसी परिस्थिति में। जीवन की नज़र पलक के गर्भ पर पड़ी तो पलक बोली, सुकेश मेरे पति हैं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। इतना सुनने के बाद वो वहां से जाने को हुआ और फिर से पलक ने आवाज लगाई, तुम अपना दर्द नहीं बांटोगे मेरे साथ? जीवन जो कि एक पिशाच था, रोते हुए उसने उस दिन से कहानी शुरू की जिस दिन वो दर्द से तड़पता रहा था। माँ बहुत दर्द हो रहा है, माँ मेरा पेट काट कर अलग कर दो, दर्द सहा नहीं जाता, स्ट्रेचर पर लेटे हुए जीवन चिल्ला रहा था। उसकी माँ स्ट्रेचर को पकड़े पकड़े नर्स और कंपाउंडर के साथ चल रही थी और उनकी आंखों से भी धड़ाधड़ आंसुओं का रेला बहा जा रहा था। उनके मुंह से सिर्फ एक ही आवाज निकल रही थी, बेटा कुछ नहीं होगा तुझे। सुगुना का सारा संसार अपने बेटे जीवन में बसा था और जीवन का माँ में, रिश्ते नाते दुनियादारी में काफी पीछे छूट गए थे। जीवन के पिता की 5 साल पहले ही कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। जीवन को ये दर्द पहली बार नहीं उठा था, बचपन में भी कई बार उसे दर्द उठता रहता था और बाद में वैद्य जी की पुड़िया लेकर कुछ समय के लिए सब ठीक हो जाता, लेकिन उम्र के साथ साथ दर्द भी बढ़ता रहा। पिछले साल जब ऐसे ही दर्द उठा तो सुगमा उसे इसी अस्पताल में लाई थी। सारी जांचें कराने के बाद पता लगा कि अपेंडिक्स है, जल्द ही ऑपरेशन करना होगा। डॉक्टर्स ने साफ कहा था कि अगर जल्दी ही ऑपरेशन नहीं किया गया तो कुछ भी हो सकता है। सुगमा ने अपनी सारी जमा पूंजी जीवन के ऑपरेशन में लगा दी, लेकिन पैसे चाहिए थे 25,000 और जमा करते करते 1 साल लग गया। ऐसा नहीं था कि जीवन घर आराम करता, सुबह होते ही वो अखबार बांटने जाता, फिर दोपहर में कैंटीन में और शाम को बच्चे को ट्यूशन पढ़ाकर माँ का बोझ कम करने की कोशिश करता। लेकिन पिछले 6 महीने में उसका दर्द इतना बढ़ गया था कि उसके सारे काम छूट गए, उसकी पढ़ाई तक भी। माँ ने 2-4 घरों का काम अधिक करने लगी। ऑपरेशन थिएटर के बाहर लाल बल्ब जल रहा था। लगभग 1.5-2 घंटे बाद डॉक्टर बाहर आया। सुगमा अकेली बाहर बैठे टकटकी लगाए देख रही थी और वो डॉक्टर के पास दौड़कर आई, कैसा है मेरा बेटा? फिलहाल बेहोश है, होश आने के बाद कुछ कहा जाएगा। और डॉक्टर अपने कैबिन में चला गया। होश आने पर डॉक्टर ने कुछ दवाइयां दी और उसे डिस्चार्ज कर दिया, लेकिन जीवन को कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। उसे लगा कि शायद ऑपरेशन की वजह से ऐसा हो रहा है। 3 दिन बाद
माँ ने कहा, बेटा तेरे शरीर पर गीला कपड़ा फेर दूँ, आ जा। नहीं माँ, मैं कर लूँगा। माँ की जिद करने के बाद जीवन ने अपनी कमीज उतारी तो उसके पेट के बाई ओर लंबे टाके के निशान थे। सुगमा बोली, बहुत दर्द होता हुआ ना बेटा? नहीं माँ, लेकिन अपेंडिक्स में इतना बड़ा टाका, आज के लालची इंसान ने धरती के भगवान जिसे डॉक्टर कहते हैं उसे भी हैवान बना डाला है। डॉक्टर ने अपेंडिक्स के ऑपरेशन के आड़ में जीवन की किडनी निकाल ली थी, ये जानते हुए कि दूसरी किडनी कुपोषण से खराब हो चुकी थी। जीवन ने भी टाका आज ही देखा, वरना वो तो कमजोरी से निढाल पड़ा था। माँ से भी नहीं कहा उसने, वरना वो रो जाती। अभी तो कपड़े पहनकर वो सोया ही था कि उसका जी घबराने लगा। वो खटिया से उठा तो उसे उल्टी आ गई, लेकिन ये क्या, वो उल्टी खून की थी। सुगमा तुरंत उसे अस्पताल लेकर भागी और फिर से उसे एडमिट कर लिया गया। आधे घंटे बाद डॉक्टर आया और उसने कहा, सॉरी माँ जी, आप बॉडी ले जाइए। सुगमा ने कहा, मतलब क्या मतलब है आपका? आपका लड़का मर गया है। सुगमा को कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था, पहले पति और उसके बाद जवान बेटा। आंखों में उसके आंसू सूख गए थे। बिना पल के झपकाए वो जीवन की लाश को घंटों तक देखती रही। दाह संस्कार के बाद सुगमा कहीं चली गई, लेकिन कहाँ ये बात किसी को नहीं पता। कहीं नहीं, मेरी माँ ने आत्महत्या कर ली और उसकी लाश को लावारिश लाशों के साथ जलाया गया। ये सब उस डॉक्टर रस्तोगी की वजह से हुआ, उसने ही मेरी किडनी निकाल ली थी। और जब दूसरी बार भर्ती कराया तो इलाज करने के बजाय मेरे खून का एक एक कतरा निकाल दिया। बस तभी से मैं उस खून को वापस ले रहा हूँ हर किसी से। तो क्या तुम इसकी सजा सभी बेकसूरों को दोगे? रस्तोई की उसके कर्मों की सजा मिल चुकी है, ये खूनी खेल बंद करो, तुम्हारा नाम जीवन है। मेरे बंद करने से क्या हो जाएगा, लालच खत्म हो जाएगा, बोलो पलक। और उसके बाद जीवन उसी पिशाच रूप में आ जाता है, लेकिन इस बार पलक उससे डरती नहीं। वो उसके करीब जाती है और पास रखे चाकू से अपना हाथ काट लेती है और कहती है, तो लो मुझसे भी अपने खून की वसूली कर लो। पिशाच अपने आप को रोक नहीं पाता और वो गुर्राते हुए पलक की ओर दौड़ता है। पलक ने आंखें मूंद ली, पिशाच ने बैंडेज पलक के हाथ पर लपेटी और वहां से गायब हो गया। पलक ने आंखें खोली तो जीवन जा चुका था और बैंडेज पर लिखा था, जल्दी ही आऊंगा। फिर पलक के पेट में दर्द हो उठा और वो जोर से चिल्लाई, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। लेकिन फिर अचानक सुकेश उठ गया और उसने पलक को चेक करा तो उसे पता लग गया था कि उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई है। बिना देरी के उसे स्ट्रेचर पर लिटाकर आईसीयू में वो ले गया। पिशाच की बात उसके मन से अभी निकल गई थी और उसका ध्यान सिर्फ पलक और उस अपने बच्चे पर था। नॉर्मल डिलीवरी से पलक को बेटा हुआ, लेकिन पलक इसी सोच में डूबी थी कि क्या वो पिशाच अब रुकेगा, क्या डॉक्टरों का ये खूनी खेल खत्म होगा। पलक इसी सोच में डूबी थी कि उसे अपने नवजात बच्चे के दो नन्हे से दांत नजर आए। सुकेश तो ये देखकर हैरान था, लेकिन पलक जीवन की आखिरी लाइनों का मतलब समझ गई थी, मैं जल्द लौटूंगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। मैं अभिषेक मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।